जी, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? मैनेजिंग वेरिएबल्स एंड फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यूज कैसे करते हैं, ये सारा का सारा कंसेप्ट हमें इसमें देखना है। तो वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मुझे कोई बताएगा कि वेरिएबल कभी किसी ने थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग पे काम किया हो तो उसे पता होगा कि क्या होता है वेरिएबल्स। कौन बताएगा वेरिएबल के बारे में? सर सर वेरिएबल्स वेरिएबल क्या होता है? सर सर वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं कि इसके अंदर हम कोई भी अगर कुछ भी अगर हम स्टोर करना चाहें लाइक इंट डाटा टाइप्स, जैसे हम डाटा टाइप्स अगर कोई भी उसकी वैल्यू अगर स्टोर करना चाहें तो हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। लाइक अगर हम 10 किसी कुछ स्टोर कराना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। लाइक ए बी सी कुछ भी हो सकता है। लाइक ए इज इक्वल टू हमें ए के अंदर मतलब कुछ भी हम से स्टोर करा सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो देखिए, एंसिबल सपोर्ट, एंसिबल किसको सपोर्ट करता है? आपका वेरिएबल को सपोर्ट करता है। इट मींस इसके हम वेरिएबल के अंदर जो क्या कर सकते हैं, एंसिबल वेरिएबल के फॉर्मेट को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। कैन बी यूज्ड टू स्टोर, इसका देखो वेरिएबल क्या स्टोर करता है, वैल्यू को। तो इनका जो काम होता है वेरिएबल्स का, किसी वैल्यू को स्टोर करना होता है। एंड कैन देन बी रीयूज्ड थ्रू आउट द फाइल। मतलब कोई आपके पास एक प्लेबुक है, उसके अंदर कहीं भी क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में या किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में उस पर्पस के लिए, उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है उस प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, उसे किसी भी और पर्पस के लिए आपको यूज करना है उस वैल्यू को सिस्टम में अपने, कभी भी तो आप यूज कर सकते हो। एंसिबल सपोर्ट वैल्यूज दैट कैन बी यूज टू स्टोर वैल्यूज दैट कैन देन बी reused throughout file in the Ansible project. This can simplify the creation and maintenance of a project and reduce the number of errors. अगर आपके पास variables होते हैं, जैसे आपने कोई variables define कर दिया, तो आपके number of errors के होने के chances कम हो जाते हैं, reduce हो जाते हैं आपके, कि आपसे गलतियां कम हो गई अगर आपने क्या use किया हुआ है, variable का use किया हुआ है। इससे क्या होता है कि आपका उस तरह से पॉसिबिलिटीज आपकी पैदा करता है, आपका क्रिएशन एंड मेंटेनेंस, जब भी आपको कुछ ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म करना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आपके जो एरर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ जो एरर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वेरिएबल क्या प्रोवाइड करता है, आपकी चीजों को आसान बना देता है कि जब भी कोई चीज आप यूज कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी चीज की वैल्यू है वो डायनेमिकली चेंज हो रही है आपकी, कि कभी हम उसकी वैल्यू में एक की वैल्यू 10 रखी, कभी एक की वैल्यू 20 हो सकती है, कभी एक की वैल्यू 50 हो सकती है, तो वो आपका चेंज हो सकता है आपका। तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी आपका टास्क है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता है आपका, कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर, इट मीन्स उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नहीं है, टास्क है आपका। मैंने कहा कि वेब सर्वर डिजाइन करके दोगे आप मुझे, तो मैंने एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया, आप उस पर काम कर रहे हो। एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज दैट वेरिएबल माइट कंटेन इनपुट, क्या कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कैसे कैसे हो सकती है आपकी, जैसे कि कभी हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं, कोई पैकेज स्टोर कर रहे हैं, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, सर्विस को स्टार्ट करने में यूज कर सकते हैं, फाइल को रिमूव करने में, इन चीजों में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा इसका, कि वेरिएबल का हम जो नाम रखेंगे किस तरह से रखा जाएगा, कि जब भी इसका नाम क्या होगा रखा जाएगा, तो इसका नाम की जो स्टार्टिंग होगी वो लेटर से हो सकती है, एंड कैन ओनली सर्टेन लेटर नंबर्स, नंबर हम दे सकते हैं, अंडर्स को यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये कुछ टेबल दी हुई है, जैसे कि सपोज मैंने ये यूज कर लिया, तो ये इनवैलिड है क्योंकि बीच में इसमें स्पेस आ गया। तो जब भी आप कोई वेरिएबल लिखोगे उसके बीच में कभी स्पेस प्रोवाइड नहीं होगी, अंडर्स को दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया रिमोट डॉट फाइल, रिमोट डॉट फाइल नहीं होगा आपका, रिमोट अंडरस्कोर फाइल होगा, ठीक है ना। तो वैल्यू हम क्या रख सकते हैं ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने पहला जो लेटर है आपका कैरेक्टर है वो मैंने क्या यूज कर लिया, नंबर यूज कर लिया, तो हम नंबर यूज नहीं कर सकते, लास्ट में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लास्ट में नंबर यूज कर सकते हैं, बट पहला अक्षर आपके क्या हो सकता है,
हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पर लगा दिया डॉलर का साइन, तो डॉलर यूज नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हो अंडरस्कोर सर्वर वन, रिमोट अंडरस्कोर सर्वर, ऐसे करके वन लिख सकते हो। तो ये लिखने के वैलिड तरीके हैं कि किस तरह से आप कोई वेरिएबल सेट करोगे। ये आपके जो वेरिएबल है, वेरिएबल आप इस तरह से सेट नहीं कर सकते, कोई स्पेस नहीं दे सकते, डॉट नहीं लगा सकते, फर्स्ट कैरेक्टर आपका नंबर नहीं हो सकता आपका, डॉलर का यूज नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन करने के तीन स्कोप होते हैं इसमें, एक ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, एक प्लेबुक के अंदर साइन कर सकते हो, तीसरा होता है आपका होस्ट स्कोप, इट मींस आप इसको कहां साइन कर सकते हो, होस्ट ग्रुप इट मींस इन्वेंट्री फाइल में, इंडिविजुअल होस्ट बाय इन्वेंट्री फाइल, इसको हम इन्वेंट्री वेरिएबल बोल देते हैं, ठीक है। गैदरिंग फैक्ट्स, रजिस्टर वेरिएबल, सब क्या होते हैं, होस्ट स्कोप होते हैं, तो ये वेरिएबल कहलाते हैं आपके। एक हो सकता है वेरिएबल कहां रख सकते हैं, प्लेबुक के अंदर रख सकते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू प्लेबुक के अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल हम कहां सेट कर सकते हैं, कमांड के अंदर कर सकते हैं, तो इनको बोल देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, कमांड लाइन वेरिएबल, या इसकी कॉन्फिगरेशन फाइल होती है इसमें भी सेट कर सकते हैं। तो कमांड लाइन वेरिएबल प्लेबुक के अंदर सेट कर सकते हो, प्लेबुक के अंदर वेरिएबल सेट कर सकते हैं। एक होता है आपका इन्वेंट्री फाइल के अंदर वेरिएबल सेट कर सकते हैं। इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, कहां डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस, कई जगह पे आप डिफाइन कर सकते हो एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके तीन तरीके होते हैं कि आप इनके जो लेबल्स होते हैं कहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वेरिएबल कहां डिफाइन करने, प्लेबुक के अंदर डिफाइन कर, तो कैसे डिफाइन करोगे, तो ये बताया गया आपको। ये सपोज एक वेयर्स नाम का क्या करोगे, एक एट्रीब्यूट सेट करोगे यहां पे आप, इसकी वैल्यू रख दिया आपने, जो होम, तो यूजर की वैल्यू क्या होगी, ये यूजर हो गया आपका होम, ये इसकी वैल्यू होगी इस तरह से। तो ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको साथ साथ चाहिए। ये देखो एक वेरिएबल सेट कर दिया, वेरिएबल कहां सेट कर रखे आपने, फाइल के अंदर, फाइल के अंदर जैसे कुछ आपने लिखा हुआ है तो आप उस फाइल को कॉल कर सकते हो वेरिएबल के अंदर जो रखी हुई चाहिए। तो वेरिएबल डिफाइन करेंगे इसमें, इसमें वेरिएबल डिफाइन करने के लिए प्रोसेस थोड़ी सी अलग होते हैं कि वेरिएबल के, वेरिएबल कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, प्लेबुक के अंदर, कमांड के अंदर, ठीक है, इन्वेंट्री फाइल के अंदर, कॉन्फिगरेशन फाइल के अंदर, कहीं भी आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हो। तो प्लेबुक के अंदर सेट कर सकते हो, ये सारे सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्लेबुक के अंदर सेट करने वाले एग्जाम्पल, ये सारे जो वेरिएबल, ये देखो वेरिएबल सेट किया गया, कहाँ पे सेट किया गया, इन्वेंट्री फाइल के अंदर, कि सर्वर की वैल्यू क्या है, ये कि जब भी मुझे इस सर्वर के अंदर लॉगिन करना होगा तो यूजर नेम क्या यूज करोगे आप, ये देखो यहाँ पे सेट कर रखा है कि जब मुझे इस पीसी के अंदर कोई लॉगिन करना है तो यूजर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये ऐसे हम सेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। करके दिखाऊंगा तब आपको ये चीज क्लियर होगी। और क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से भी हम सेट कर सकते हैं, अगर हमारा ग्रुप का नाम क्या है, सर्वर से, तो ग्रुप अंडरस्कोर वेयर करके सेट कर सकते हैं, अगर होस्ट है तो होस्ट अंडरस्कोर वेयर करके सेट कर सकते हैं, ग्रुप अंडरस्कोर वेयर, होस्ट अंडरस्कोर वेयर, इस तरह से लिख के कर सकते हैं। तो यूजिंग डायरेक्टरी टू पॉपुलेट होस्ट एंड ग्रुप वेरिएबल, ये भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो ऐसे ये दिया गया इस तरह से कि चिल्ड्रन ये आपका हो गया, दो इसके अंदर ग्रुप हो गया आपके, देखो इसके अंदर वेरिएबल ऐसे सेट किया गया, एक प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बनाया उसके अंदर ग्रुप अंडरस्कोर नाम से फोल्डर बनाया, इसमें देखो ये वेरिएबल सेट कर डेटा सेंटर वन, तो इसमें पैकेज की वैल्यू क्या है, इसमें एचटीटीपी, और यहाँ पर पैकेज की वैल्यू क्या आई है, तो देखिए दोनों सिस्टम का क्या है, वेरिएबल वही है, नाम वही है, देखो जब इस सिस्टम पर जाएगा ये तो ये वाला पैकेज स्टोर करके आएगा, जब इस सिस्टम पर जाएगा तो अपाचे स्टोर करके आएगा, तो देखिए नाम वही है देखिए, बट वैल्यू क्या देखो अलग अलग है। डेमो वन के लिए क्या रहेगा एचटीटीपी, डेमो टू के लिए क्या रहेगा अपाचे, जबकि डेमो थ्री के लिए क्या रहेगा मारियाडीबी, और डेमो फोर के लिए क्या देखो MySQL। तीनों सिस्टम पर पैकेज क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल सेम है देखो, बट वैल्यू क्या देखो अलग अलग है। सो दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू हम कॉल करते हैं, यहाँ पे कॉल होगी ये वाली वैल्यू, यहाँ पर कॉल होगी ये वाली, कैसे कॉल करेंगे ये भी अभी हम देखते हैं। ये हो गया कमांड लाइन वेरिएबल। जैसे हो सकता है कि मुझे कभी कभी क्या होता है कि पूरी वैल्यू चेंज करनी है, तो यहाँ पर पैकेज की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
अपाचे के, जब इस मशीन में इसके थ्रू जब प्लेबुक को रन कराऊंगा तो प्लेबुक के अंदर इसकी वेरिएबिलिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये होगी। इस तरह से सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है कि वेरिएबल एरे के अंदर कैसे सेट करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, पहले इतना छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं पहले, ठीक है। चलिए जहां भी आपको समझ में आए बता देना। देखो तो ये वही है, चैप्टर हमारा कौन सा है, फोर्थ, ठीक है। ये सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी, वेरिएबल हम कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, होस्ट वेरिएबल, ये सब सेट करते हैं। अब देखो इनको यूज कैसे करोगे आप, इन वेरिएबल्स को आप यूज कैसे करोगे, ठीक है। एक एक करके मैं इनको यूज करके आपको दिखाता हूँ। मैं कोई एग्जांपल नहीं दिया गया सही सा, देखो इस लैब को मैं करा देता हूँ, इसमें अच्छे एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, ठीक है, आपको पता भी चल जाए कि किस तरह से पूरी प्लेबुक के अंदर सेट करते हैं। उसके बाद में कुछ और बताऊंगा। देखो जी किसी लैब को करा देते हो शॉर्ट में, तो आप घर पे अपना इस लैब को पूरा कर सकते हो। देखिए मैं लैब के लिए कोई लैब सेटअप फॉलो नहीं कर रहा, सेम आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ये सब कोई दिक्कत नहीं, आपको क्रिएट नहीं करना है, नाम कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो जी विम करके प्ले वन डॉट वाई एम एल कुछ भी नाम लिख लो। पहले एक मिनट एक चीज और देखता हूँ मैं, मेरे पास देखिए क्या चीज बनी होनी चाहिए, कॉन्फिगरेशन फाइल पहले से बनी हुई है, देख रहा है, और मेरे पास इन्वेंटरी फाइल पहले से बनी हुई है, ध्यान रखना ये दो चीज पहले से आपके पास होनी चाहिए। हमारे ग्रुप का नाम क्या है, वेब सर्वर, इसमें एक पीसी है देखो, ठीक है। और आप चेक कर लो कि SSH आपका है कि नहीं है, कमांड क्या होती है Ansible, ये चीज आकर के आप हर बार चेक करो, हाइफन एम पिंग ऑल कर दो, ऑल ए डबल एल ऑल, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। देखो कनेक्टिविटी चेक होगी आपकी, मतलब इसका मतलब SSH आपका चल रहा है, सब कुछ ठीक है, Ansible और हाइफन हाइफन लिस्ट ऑल कर दो, लिस्ट हाइफन ऑल, हाइफन लिस्ट हो गया, अच्छा ऑल Ansible hyphen hyphen list host, और नहीं है host है ये, hosts, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। तो ये एक बार आप चेक कर लो कितनी कमांड, चलो पहली कमांड ये मान लेते हैं, दूसरी कमांड क्या चेक करोगे, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले देख लेना है, और तीसरा आपने अपना इन्वेंट्री फाइल चेक कर लो कि इन्वेंट्री फाइल में एंट्री है कि नहीं है, इन्वेंट्री फाइल आपकी, और एक आपकी फाइल है आपका Ansible कॉन्फिगरेशन फाइल, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना कि सब कुछ होना चाहिए, तब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा आगे चलते। ये सारी चीजें रेडी है हमारे पास पहले से ही, क्योंकि हम उसी लेवल पे काम कर रहे हैं जिसके बारे लास्ट टाइम था। अब देखो हमें करना है क्या कि पैकेज इंस्टॉल करना है। देखो मैं पैकेज यहाँ से हटा देता हूँ आपके सिस्टम से, जिसमें मुझे इंस्टॉल करना है वहाँ से पैकेज हटा देता हूँ। आज हम वेरिएबल का यूज करके पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना।
pm remove p, ये पैकेज हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए ये हट जाएगा पैकेज आपका, एक काम और कर लेना है pm repo list all, ठीक है ये enabled है आपका। ठीक है एक बार मैं देख लेता हूँ RHEL 8 के अंदर सब कुछ है कि नहीं। देखो मुझे माउंट करना पड़ेगा वरना वो लेगा नहीं। स्लैश डेव SR0 को स्लैश RHEL के अंदर माउंट कर दो। अब देखो एलएस करो सारा डेटा आ गया। अब आपका कोई पैकेज आप इंस्टॉल करोगे यम के थ्रू तो हो जाएगा। ठीक है हमारा सही आ गया। अब देखिए इधर आ जाओ, पहला काम क्या करो विम करो a1.yml करके आप क्या करोगे एक नई प्लेबुक बना दो। ठीक है और प्लेबुक में जो भी आपको लिखना है वो लिख दो। तो फिलहाल मैंने क्या किया आई प्रेस किया तीन बार हाइपन लगाया फिर हाइपन से स्टार्टिंग करोगे नेम लिख दो कुछ भी जो भी आपको सही नहीं लगता है डेप्लॉय एंड स्टार्ट अपाचे सर्वर मैंने ये नाम दे दिया। ठीक है आप किस होस्ट पर ये काम करना है होस्ट हमारा नाम क्या है वेब सर्वर्स यही नाम दिया था मैं दिखा देता हूं आपको मैं एट इन्वेंट्री फाइल के अंदर जाओ नाम क्या हमारा वेब सर्वर्स इस पर हमें टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है अब नेम दे दिया पोस्ट दे दिया टास्क क्या डिफाइन करना चाहते हो मैं टास्क बता दो। ठीक है पर टास्क से पहले मैं वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पर तो एक वेयर्स नाम का एट्रीब्यूट सेट करना पड़ता है वेयर्स एस लगा दो ध्यान रखना कॉलन। अब आपने क्या कहा कि कौन सा पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हो जो भी नाम देना चाहते हो सपोज मैंने इसका नाम लिख दिया वेब सर्वर का पैकेज अंडरस्कोर पीकेजी का मतलब पैकेज पता चल जाएगा प्रोसेस से पीकेजी पैकेज है तो ये पैकेज है आपका तो इसकी वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी एक दो तो क्या तीसरे से स्टार्ट किया आपने फिर कॉलन लगा दो इसकी वैल्यू क्या होगी वेब अंडरस्कोर पैकेज की वैल्यू क्या रखना चाहते हो क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी पड़ती है आपने तो मैंने इसकी वैल्यू रखी HTTPD इसकी वैल्यू ये रहेगी देन क्या करना है आपका अभी फिलहाल में एक ही वैल्यू रखता हूँ फिलहाल ठीक है ना एक बस केवल एक वैल्यू आपको चेक करा दूँ फिर ये बाद में बता दूँ उनका मतलब क्या होता है। ठीक है कुछ भी नहीं रख रहे फिलहाल अभी हम एक ही पर्टिकुलर टास्क में क्या करना है इंस्टॉल करना है तो वेब इसकी वैल्यू ये रख दी। ठीक है अब यहाँ पे आ जाओ टास्क क्या है हमारे पास तो टास्क हमारे पास क्या है चाहो तो आप यहीं से स्टार्ट कर लिया करो हाइपन देखिए टास्क पहला टास्क क्या है नेम बता दो आप उसका जो आपके लेवल डिफाइन करना चाहते हो PALED install the required packages QUIRED required PACKAGE packages इसमें हमने एक नाम दे दिया। अब क्या यूज करोगे यम मॉड्यूल का यूज करना है आपको पैकेज का नाम बताओ नाम लिख दो इसमें आप। अब आपको नाम या तो कैसे लिखो ऐसे लिखो बट मैं इसकी वैल्यू सेट कर चुका हूँ क्या वेब अंडरस्कोर पीकेजी। अब आपको क्या करना है ये नहीं लिखना क्या लिखना है केवल यहाँ पे ये वाला नाम बट ये डायरेक्टली अगर आपने ऐसे नाम लिख दिया तो वो क्या समझेगा इसको टेक्स्ट समझेगा इसको लेगा नहीं। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल को कॉल करना है क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं वेरिएबल को कॉल करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं लेगा आपको चाहो तो आप क्या करो इसमें क्या कर दोगे आप डबल कोट यहाँ लगाओ और डबल कोट यहाँ लगाओ पहली चीज इतना होना चाहिए आपका। दूसरी चीज जब इसको कॉल करते हैं तो कर्ली ब्रेसेट लगाना पड़ता है आपको क्या करना पड़ता है कर्ली ब्रेसेट देन स्पेस दोगे देन अगेन क्या करोगे इसको कर्ली ब्रेसेट से एंड कर दोगे। आपके स्टार्टिंग में स्पेस होना चाहिए एंड में स्पेस होना चाहिए आपको। अभी मेरे पास एक पैकेज है तो सीधा मैंने यहाँ लिख दिया अगर आपके पास मल्टीपल पैकेज होंगे तो क्या करोगे आप उसकी वैल्यू कैसे लिखोगे
हाइफन लगा दोगे तो एक वैल्यू होगी आपकी, दूसरी वैल्यू कॉल कर लो, तीसरी वैल्यू कॉल कर, तो आपके पास मल्टीपल वैल्यू होंगे, तो आप हाइफन लगा करके आप उनकी लिस्ट बता दो। पहले क्या है, ये डबल कोट कर्ली ब्रेस दो, इसके बीच में स्पेस नाम दे दो, फिर स्पेस, फिर आप कर्ली ब्रेस क्लोज कर दोगे तो ये नाम हो गया, ये काम करना चाहते हैं। अब ये काम तो हो जाएगा, स्टेट तो बता दो आप इसकी, स्टेट में क्या करना है आपको, आप इसकी क्या होना चाहते हो स्टेट, तो स्टेट क्या करोगे आप, आई प्रेस करो दोबारा से, थोड़ा गलत हो गया ये, अब देखिए यहाँ पे सेम आना चाहिए आपका स्टेट, लेटेस्ट मतलब उसका लेटेस्ट वर्जन, अगर आपने प्रेजेंट कर दिया तो भी ले लेगा, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे, अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, तो ये इंस्टॉल कर देगा इसको। तो पहला हमारा टाइप देखो, होस्ट को प्लेस मशीन पे जाओ, ये हमारा वेरिएबल का हमने वैल्यू सेट कर रखा है, इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे कॉल कर ली, स्टेट का इसका स्टार्ट है, ये पूरा टास्क आपका बन गया, ठीक है। अब क्या करो, कुछ नहीं करना भी आपको, मुझे ये सब कुछ सेट नहीं करना, बस इतना करके देख लो पहले आप, ठीक है, इतना देखते कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, चलो सेव कर दो उसको। तो पहले ये आपका है, इसको चेक करो। अनुराग मुझे इसका सिंटेक्स चेक करना है, कमांड क्या होती है जल्दी बताओ, सिंटेक्स को चेक करने के लिए कमांड बताओ जल्दी से। रवि तुम बताओ। यस सर, एनसीबील प्लेबुक हाइपन हाइपन चेक। दोबारा बोलो। सिविल आवाज नहीं आ रही, क्या बात है सर, यहाँ से तो जा रही। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। एनसीबील आगे बोलो। प्लेबुक, प्लेबुक आगे। हाइपन हाइपन चेक, हाइपन हाइपन सिंटेक्स चेक। Yes, का मतलब ड्राइवर होता है। सिंटेक्स हाइपन CHECK चेक। तो देखो सिंटेक्स चेक में कोई एरर नहीं आया, अब एक बार उसको केवल चेक कर लो, रन करने से पहले चेक कर लो, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन बोलते हैं। रन करने से पहले जो चेक करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्राई रन। बस ये ध्यान रखना, चेक करते हैं इसको क्या ये काम कर रहे हैं, इसने फैक्ट को गैदर किया, इंस्टॉल किया, बट जो अभी कुछ इंस्टॉल नहीं हुआ आपका, रन नहीं हुआ एक्चुअल में। देखो चलो यहीं पे कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट HTTPD क्या बता रहा है, ये अवेलेबल है, अभी इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम में। RPM करके देख लो, हाइपन क्यू HTTPD नहीं, कुछ नहीं है अभी, इंस्टॉल नहीं है। एक कमांड और देख लो, सिस्टम CTL STATUS status HTTPD कुछ नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है अभी, सर्विस ही नहीं है आपके सिस्टम में। और एक काम और करके देख सकते हो, चलो बाद में देखो, पहले इतना ही देखो। अभी ये क्या है, ड्राई रन है, चेंज एक होगा इसका, क्योंकि एक ही हमने टास्क में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको रन कर दिया, रन कर दिया, अपाचे का क्या होगा, पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर लो क्या देखो, इसमें स्टेटस क्या है, डिसेबल, अभी स्टार्ट नहीं किया, केवल इंस्टॉल किया है, चेक करो इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, देखो इंस्टॉल हो गया। लिस्ट करके चेक कर लो, इस वाली कमांड से भी चेक कर लो, इंस्टॉल आ गया, ये सिस्टम इंस्टॉल है आपके सिस्टम, @ को होता है आपके सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है। कहाँ से इंस्टॉल हुआ है, स्ट्रीम से। तो पहला टास्क किया हमने, वेरिएबल से उस वैल्यू को कॉल किया, तो वैल्यू आपकी कॉल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसी तरह से वेरिएबल जितने लिखे हैं ना, उनको इसी तरह से कॉल किया जाएगा। जैसे कि ये फायरवॉल है, पहले फायरवॉल का पैकेज स्टोर करेगा, सर्विस को स्टार्ट करना है ये लिख दो केवल,
फायरवॉल के सर्विस को स्टार्ट करना, ये लिख दो, तो ये वैल्यू को कॉल करने के लिए, ये वैल्यू कभी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है आपकी, ये वैल्यू कभी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, कल पाइथन का वर्जन दूसरा आ गया, ये वैल्यू सेम रहेगी, बस केवल आपको यहाँ पर चेंज करना है। इसलिए क्या होता है आपका काम आसान हो जाता है। तो जब भी आपकी जो वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है, कल आपको HTTP पे कुछ और वर्जन स्टॉल करना है, HTTP hyphen 2.1 स्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, केवल 2.1 लिख दोगे यहाँ पे, केवल यहाँ पर ये वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं करनी आपको, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये की हो गया, इसका वैल्यू हो गया, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होते हैं, वेरिएबल को क्या होगा, चेंज होना, वेरी करना। अब देखो दो तीन चीज और लिख लेते हैं, अब की बार हम क्या करते हैं, फायरवॉल का पैकेज स्टोर करते हैं, पाइथन का पैकेज स्टोर करते हैं, उसके बाद फायरवॉल की सर्विस स्टार्ट करते हैं, इनको करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है, वेब पेज क्रिएट करना है, वेब पेज क्रिएट करके सर्विस को परमानेंटली स्टार्ट करना है और अपने मशीन पे इसको रन करके चेक कर लेते हैं, बस ये पूरा का पूरा टास्क इसमें आपको बताया गया, ये पूरा वेरिएबल का इस तरह से, ये देखो एक एक करके मैं सारी चीज करके दिखाता हूँ आपको। तो अब की बार में क्या करता हूँ, सारा पहले वेरिएबल सेट करता हूँ एक बार में, और जिसको पूछना है सब पूछते जाना, दूसरी वैल्यू ले लो वेरिएबल की, क्या लेना है मेरे पास, दूसरा क्या लिखा है, फायरवॉल, फायरवॉल अंडरस्कोर पीकेजी, ठीक है, ये आपका पैकेज हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हो अभी आप, फायरवॉल डी, फायरवॉल डी इसकी वैल्यू हो गई, तो फायरवॉल अंडरस्कोर पीकेजी ये आपका वेरिएबल का नाम हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, फायरवॉल डी हो गई। अब दूसरा वेरिएबल सेट कर दो, वेब WEB web underscore service के नाम से कर देते हैं, कि जब मुझे web server की service को start करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, web underscore service लिख दूंगा, मुझे बार बार HTTP लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, service का नाम देते हैं, system CTL start HTTPD, HTTPD की जगह क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे, ये automatically इस value को call कर लेगा, HTTPD हो गया। फायरवॉल इंस्टॉल तो कर दिया, फायरवॉल की सर्विस को भी तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ बिल्कुल फायरवॉल अंडरस्कोर सर्विस, ठीक है, अब इसको कॉलन लगा दो, क्या है, फायरवॉल डी, ठीक है, ये चीजें हो गई। अभी मैं इन दो को बाद में लूंगा, पाइथन वाला पैकेज और रूल वाला पैकेज बाद में, पहले फायरवॉल का पैकेज डालो, ठीक है, और वेब सर्वर का पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है, वेब सर्विस को स्टार्ट करना है और फायरवॉल को स्टार्ट करना है, टोटल कितने करने, चार काम करके देखने पहले। हाँ जी दीपक, बताओ क्या पूछ रहे हो। सर मुझे ये पूछना है सर, ये HTTPD को सर हम वैल्यू को कॉल करना होगा, तो सर वेब पैक, वेब अंडरस्कोर पैकेज से भी तो कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पैकेज का नाम है, देखो पैकेज का नाम भी क्या होता है, HTTPD होता है। हाँ? और जब हम सिस्टम CTL के साथ स्टार्ट करके HTTP लिखते हैं तो वहां पर क्या होता है, सर्विस का नाम होता है। तो आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि इसको कॉल करना है, किसको कॉल करना है, तो मुझे दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, ये तो सर मतलब ये मतलब करना है तो मैं इस वैल्यू को कॉल करूंगा, और जब मुझे सर्विस को स्टार्ट करना है तो इस वैल्यू कॉल करूंगा। मतलब सर ये प्री डिफाइन होते हैं फिर रिवर्स, वेब अंडरस्कोर पैकेज या वेब अंडरस्कोर सर्विस। देखो पैकेज जब इंस्टॉल किया था, देखो यहां पर नाम क्या देगा इसका, देख रहे हैं आपको नाम, और जब मैंने सर्विस को यहाँ पे देखा था, चेक किया था, तब भी तो मैंने क्या नाम दिया था, क्योंकि एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है, ये होता है पूरा नाम, तो इसे पता चल जाता है ना, ये इसको कॉल करेगा, सर्विस को कॉल करेगा, देखो कि यहाँ पे नाम क्या है इसका, देखो पूरा नाम क्या है, तो हम केवल स्टार्टिंग का लिख देते तो वो केवल इसी को कॉल करेगा, और जब ये लिखा जाएगा तो इसको, ये सर्विस है, ये अगर मुझे सर्विस को इनेबल करना है तो मैं बताऊंगा ना कि इसको कॉल कर लो, इस वाले को, किसको, HTTP.service को कॉल कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा लिख दिया करो चाहो तो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो आपको थोड़ा डाउट नहीं होगा, डॉट सर्विस, सर
ये पूरा नाम है इसका एक्चुअल में, यहाँ पे नाम सर्विस नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और नाम है, ठीक है, ऐसे रखो तो आपको और ठीक है, हम ये रख लेते कोई दिक्कत नहीं है। वेब सर्विस फायरवॉल, फायरवॉल डी डॉट सर्विस होता है, ये भी क्या होगा फायरवॉल डी डॉट सर्विस, क्योंकि उसकी यूनिट का नाम क्या होता है डॉट सर्विस, यहाँ भी लिख सकते हो आप इसमें कि आपको किसको कॉल करना है, फायरवॉल डी डॉट सर्विस को कॉल करना है। टास्क क्या डिफाइन करना है, आप टास्क थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब देखो पहला टास्क क्या था आपका, यम का पैकेज स्टोर कर दिया, आपकी बार में एक पैकेज और स्टोर कराना चाहता हूँ, पाइथन का बाद में स्टोर करेंगे, तो एक पैकेज और स्टोर कर लेते हैं, आपने वाई वाई करके पी कर दिया, वाई वाई करके पी, आई प्रेस करो, यहाँ पे किसको कॉल करना है, फायरवॉल के पैकेज को कॉल करना है, तो यहाँ पे लिख दो फायरवॉल, फायरवॉल अंडरस्कोर पीकेज, तो फायरवॉल का पैकेज क्या हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएगा, आपका स्टेटस वही रहेगा इंस्टॉल कर दो, चाहो तो आप लेटेस्ट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेटेस्ट में वो चैट इंस्टॉल भी करता है, अगर कोई नया पैकेज आ गया हो तो उसको भी क्या कर देगा अपडेट कर देगा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं लेटेस्ट लिख लेते हैं, तो ये इंस्टॉल की फंक्शनलिटी अपडेट की फंक्शनलिटी दोनों होते हैं, जबकि इंस्टॉल में एक ही फंक्शनलिटी होती है केवल इंस्टॉल करने की, लेटेस्ट में तो दोनों होती है, तो ये क्या करेगा पैकेज इंस्टॉल करेगा ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला पैकेज इंस्टॉल करेगा लेटेस्ट वर्जन, एक तो ये टास्क हो गया। दूसरा टास्क क्या डिफाइन करोगे आप बताना पड़ेगा, ये यहाँ ठीक है, दूसरा टास्क हाइपर लगाओ, दूसरा टास्क क्या है आपका ये वाला सर्विस वाला, तो यहाँ पे नाम लिख दो, नेम क्या देना चाहते हो आप इसमें जो आपको ठीक लगता है। अब देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नाम के बाद द लिखा है, मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ फायरवॉल की सर्विस को स्टार्ट करना है, तो फायरवॉल अंडरस्कोर सर्विस का मतलब क्या है, कौन सी सर्विस स्टार्ट करनी है, ये वाली सर्विस स्टार्ट करनी है फायरवॉल डी, तो मैं लिख दूंगा फायरवॉल डी की सर्विस को स्टार्ट करना है डॉट सर्विस, मैं ऐसे लिखूंगा या कोई भी नाम दे सकता हूँ, केवल इतना भी दे सकता हूँ, वो नाम है आप, यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल की वैल्यू को कॉल कर लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम क्या लग जाएगा, यहाँ पे जो नाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी फायरवॉल डी डॉट सर्विस, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, तो डबल कोट लगा लो सेम, आपको बस लिखने का तरीका बता रही, तो बस केवल नाम आएगा, जो नाम अपने आप प्लेस हो जाएगा उसकी जगह पर, फायरवॉल अंडरस्कोर सर्विस, ठीक है, सर्विस को क्या करना है, ये सर्विस आपको क्या करनी है स्टार्ट, स्टार्ट करनी है एंड इनेबल करनी है, इनेबल बस इतना काम करना है आपको। अब करने के लिए आपको किसी ना किसी मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा, मॉड्यूल का नाम लिख दो, क्या क्या नाम, क्या नाम तो बता दो आप उसका, नाम कॉल करने के लिए डबल कोट लगा लो, लगा लिया डबल कर्ली ब्रैकेट फिर स्पेस दो, देन अगेन क्या कर दो उसको क्लोज कर दो, क्या करना है आपको उसे क्लोज करना है ऐसे। अब इसमें लिखना स्टार्ट करो, तो इसमें पहले क्या करेंगे, फायरवॉल की सर्विस को स्टार्ट किया गया है, फायरवॉल अंडरस्कोर सर्विस, ठीक है, नेम हो गया। अब क्या करना चाहते हो, इनेबल करना चाहते हो, इनेबल यस, ठीक है, इतना लिख दोगे या फिर ट्रू कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते, यस भी चल जाता है उसमें। स्टेट क्या चाहते हो, स्टार्टेड स्टॉप, ये स्टेट होती है आपकी, रिज्यूम तो एस टी ए टी स्टेट, क्या चाहिए, स्टॉप करना चाहते स्टॉप लिख दोगे तो स्टॉप हो जाएगा आपको, डिसेबल लिखोगे तो यहाँ पे क्या कर दो, इनेबल किया हुआ है फॉल्स कर देना तो डिसेबल हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना काम हो गया आपका। अब क्या करो, एक टास्क और डिफाइन कर लो, देखो ये तीसरा टास्क है आपका, इस जगह पे आओ, देखो ये होता है इस तरह से, ठीक है ना, जाओगे यहाँ पे सीधा ऐसे चेक कर लिया करो, फिर हाइपर लगा दो, ये तीसरा टास्क होगा, तो ये हमेशा इनका जो इंडेंटेशन है देखो इनका सेम होना चाहिए, पहला टास्क फिर ये यहाँ पे आएगा, दूसरा टास्क फिर ये तीसरा टास्क हो गया आपका,
अब इसका नाम बताऊ, नेम नाम के सेट कर दो डबल कोट, देन बंद करो इसको, लिख दो वेब वेब अंडरस्कोर सर्विस। ये बस यही है कि आप लिखो और चेक करो, लिखो और चेक करो। इसमें ऐसा नहीं कि बस आकर के आपको बस कमांड चलानी, नहीं, इस स्टार्ट एंड इनेबल, इसके सर्विस को स्टार्ट करना है और इनेबल करना है। चाहो तो स्टार्टेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बस लिख लिखो, जो भी आपको लिखना है लिखते रहो। यहाँ पर तो जो आपको लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नीचे आ जाओ, उसमें क्या करना है आपको, सर्विस मॉड्यूल का यूज करना है दोबारा से, ठीक है। सर्विस मॉड्यूल का यूज करना है, सर्विस को स्टार्ट करना है, उसका नाम बता दो, नाम क्या है, डबल कोट लगाओ, देन आप क्या करो, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करो, देन स्पेस दो, देन उसको क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसमें लिखना स्टार्ट करो, वेब अंडरस्कोर सर्विस, ठीक है। अब क्या चाहते हो, इनेबल करना, इनेबल्ड कर दो, यस, चाहते हो कि वो इनेबल हो जाए। स्टेट कैसा चाहते हो, STRTD started, ठीक है। कितना काम हो गया, क्योंकि अभी मैंने केवल चार काम किए थे, दो पैकेज इंस्टॉल कर दो, दो सर्विस स्टार्ट कर दो, ठीक है, बस। और कुछ ये हम बाद में करेंगे, ये काम, ये सब काम हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे फायरबॉल का पोर्ट भी क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ये हम बाद में करेंगे वाला, ठीक है। पहले ये चार काम देख लेते हैं कि चार काम हो रहे कि नहीं हो रहे, एक ही करके देखो, पहले पूरी प्लेबुक मत देखो, ये अच्छा तरीका नहीं होता, प्रैक्टिस अच्छी क्या होगी, एक एक टास्क देखो चेक करो, एक एक टास्क देखो चेक करो, ठीक है। राइट इनपुट करके सेव कर दो, दोबारा आ जाओ, पहले इसका सिंटैक्स चेक किया करो, एंसिबल आईपन प्लेबुक, कुछ गलती तो नहीं थी हमसे, अच्छा वो मैंने सीधा रन ही कर दिया, चलो कोई नहीं, हो गया। आप क्या रन मत करना, हाइपन हाइपन सिंटैक्स हाइपन चेक कर लिया करो, पहला काम इतना किया, फिर इसको रन करके देखा करो, चेक करके ड्राई रन कर लिया करो, ऐसे किया तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टास्क आपके परफॉर्म होते, हमारा कौन सा टास्क चेंज हुआ, एक ही चेंज आया, क्योंकि HTTP फायरवॉल आपको पता है कि सिस्टम में पहले से ऑन होता है, बट आपका अगर CLI मोड होगा तो ना तो इसका पैकेज इंस्टॉल होता है, ध्यान रखना, फायरवॉल का CLI मोड में पैकेज इंस्टॉल नहीं होता है, केवल ग्राफिकल मोड में इंस्टॉल होता है, इसलिए आपको सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या पता है कि सामने वाले सिस्टम पे आपने ग्राफिकल इंस्टॉल किया कैसे इंस्टॉल किया, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा ना, आपको हो सकता होगा तो ठीक है, तो इंस्टॉल कर लेगा, आपको पूरा स्टेप लिखना है इसमें। तो टास्क हमारा एक ही एग्जीक्यूट हुआ है, सर्विस स्टार्ट नहीं थी, देखो देखो यहाँ पे क्या था, सर्विस स्टार्ट नहीं थी ना, देखो यहाँ पे डेड आ रहा था, इससे पहले मैंने बताया था, अब देखो चेक कर लो आप क्यू प्रेस करके दोबारा से, सर्विस आपकी स्टार्ट की हो गई है, आपने इनेबल भी लिखा था, इनेबल क्या हो गया, ये हो गया, पहले क्या था इनेबल में डिसेबल आ रहा था, ये दो टास्क आपके यहाँ पे परफॉर्म हो गए, सर्विस स्टार्ट हो गई आपकी और डिसेबल, इतना टास्क हो गया टोटल, अभी हमने केवल चार टास्क लिखे। अब नेक्स्ट टास्क और इम्प्रूवमेंट में कौन सा वाला, एक इसमें पाइथन का पैकेज डालो, पाइथन अंडरस्कोर PKG का एक पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपको एक क्या बनाना है, अपने सिस्टम पर एक फाइल बनाओ, उसमें कंटेंट क्या लिखोगे, एग्जांपल वेब कंटेंट ऐसे लिखोगे, तो कंटेंट लिखने के लिए क्या होता है, कॉपी कमांड होती लिखने के लिए, ऐसे तो कॉपी करना तो कॉपी भी करता है, कॉपी पेस्ट भी करता है, बट ये लिखता भी है, जैसे कि हम कैट से लिखते हैं, वेब से लिखते हैं, उसमें से कंटेंट यहाँ पे क्या होता है, एक एट्रीब्यूट सेट किया आपने, डेस्टिनेशन कहाँ पे लिखेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट करेगा, उसमें ये कंटेंट डाल देगा। अब क्या कह रहा है, फायरवॉल का पैकेज आपको क्या करना है, रूट बनाना है आपको, फायरवॉल के अंदर क्या करना है, HTTP की सर्विस को इनेबल करना है, रूट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर लिखा हुआ रूट का मतलब,
रूल का मतलब क्या हो गया, ये लिखा हुआ है HTTP का पैकेज कॉल करना याद रखना। और पाइथन का कौन सा पैकेज कॉल होगा, पाइथन 3 का PY करके MySQL इंस्टॉल करना है आपका डेटाबेस का पैकेज, ठीक है, ये इतना काम करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे फायरवॉल में एंट्री करनी, तो अब तुम्हारे मतलब पूरी प्लेबुक लिख लेते हैं, एंट्री करने के बाद उसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा ऐसे चला नहीं था ये वाला लास्ट, तो मैं इसको एक बार चेक करूंगा। उसके बाद ये पूरी प्लेबुक ऐसे लिखेगी आपको, तो मैं इतने को छोड़ करके यहाँ तक लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये वाला लास्ट में देखेंगे इसको चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं तो मेरे पास और भी है सॉल्यूशन कि मैं आपको सारा दिखा दूंगा, बट फिलहाल जितना हमारा होगा उतना हम करते हैं इसमें। ठीक है, एक छोटा सा काम आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आज तारीख कितनी होगी, 14, ठीक है, पता है कि मैंने 20 का टेस्ट कहा था आपसे ऐसे तो ऐसे दूंगा, याद है या नहीं है, तो मैं तो चलो याद दिला देता हूँ, भूल जाता रहता अभी याद आएगा तो मैं चलो बोल देता हूँ। हाँ जी, सब लोग तैयार है या नहीं है, बाद में ये कह दूंगा सर मुझे कुछ काम है, चलो ठीक है, देखते कौन कौन आता है, और नहीं आओगे तो फिर मैं पढ़ा दूंगा, फिर उसका वो लॉस हो जाएगा फिर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए टेस्ट में आ जाना अच्छा रहेगा। तो देखिए कुछ काम कर लेते हैं, और इसकी ऐसे तरीके प्रति साथ साथ करते रहना। अभी आप लोगों ने लैब तो स्टार्ट ही नहीं की होगी, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने लैब बना ली हो, अनुराग, दीपक, गीतू, रवि, किसी ने भी, देखो कि कौन बहादुर है इसमें, इसने लैब बना करके प्रैक्टिकल, एक भी प्रैक्टिकल, एक कमांड चला के देखी हो, एक कमांड की बात करो, दो कमांड की भी बता बात करो, एक कमांड चला के चेक की हो, देखा, चलो मंडे को पूछता हूँ मैं, बना लो, जिस तरह की कोई दिक्कत है बीच में मुझसे पूछ लेना, वीकेंड में मेरे पास टाइम होता है तो मैं उसको यहीं से बैठे बैठे हेल्प कर दूंगा, मैं आपका रिमोट सेशन ले लूंगा यहाँ से और आपकी पूरी लैब बन करवा दूंगा, इतना कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक लैब नहीं बनेगी एक प्रैक्टिकल तो एक कमांड नहीं चला सकते आप उसको, तो लैब बनाना पड़ेगा, इसलिए लैब बना लो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए मुझे बोलते बोलते ऐसे अगर वो खत्म हो गया, टू भी खत्म हो गया, थ्री स्टार्ट हो गया, देखिए चार चैप्टर हो गया, तो अभी तक जो है तुम जो है, चलो कोई नहीं, ज्यादा आप लोगों से कुछ कहूंगा नहीं, छोड़िए, चलो फिर भी कोशिश करो कि थोड़ा काम वाम कर लो, ठीक है, कुछ लोग बिजी हैं तो थोड़ा सा वो टाइम निकालो, क्योंकि काम करोगे तभी कुछ पता चलेगा कि हमने यहाँ कुछ सीखा है, आ जाओ दोबारा से सुनो। अब जितने वेरिएबल यहाँ पे सेट है, पहले तो वेरिएबल सेट कर दो पूरे, अब देखिए मैं कुछ करूंगा नहीं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि बस आपको मुझे बता दिया कि लिखता कैसे, इसमें मैं पहले भी कॉपी पेस्ट कर सकता था, बट मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको लिखना है इसमें, ठीक है, और जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो पूरा नहीं आता, इस तरह से आपको शेयर करना पड़ता है इसमें, ठीक है, इसे यहाँ पे ही आ गया, तो यहाँ पे हाइफन लगाओ, एक मिनट रुको, कुछ गलत हो गया हमने इसको, अच्छा ये हमने सेट कहीं और करना तो हमने कहीं सेट और कर दिया इसको, ठीक है, ऊपर आना पड़ेगा, ये यहाँ पे सेट होगा, तो इसमें एक सेट है आपका पूरा वेब पैकेज, वेब सर्विस, फायरवॉल डी, ठीक है, तो यहाँ से दोबारा कॉपी करो इसको और यहाँ पेस्ट करो पहला, ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, यहाँ पर ये वैल्यू लेनी है आपको, यहाँ पर इनको कॉल करना है, तो आप यहाँ पे आ जाइए, जब आप घर पे प्रैक्टिस करो तो आप कॉपी पेस्ट मत कर लेना, आप एक एक करके लिखना, इसे आपको लिखने का कंसेप्ट पता चलेगा कैसे कैसे लिखते हैं, क्योंकि मुझे तो इसमें सारी चीज पता है कि कैसे कैसे लिखोगे, क्या क्या आएगा इसमें, कई बार मैं मैनुअली किया हुआ है, बट आप कम से कम एक बार तो कर लेना, ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइफन लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हाइफन लगा दूंगे, तो देखो यहाँ पे
वेब का पैकेज हो गया, फायरवॉल का पैकेज हो गया, सर्विस हो गया, फायरवॉल की सर्विस हो गई, पाइथन का पैकेज हो गया, रूल लगा दिया। रूल कंप्लीट, जब मैं फायरवॉल के अंदर ऐड करूंगा तो केवल रूल लिखूंगा, क्योंकि वहां पे एचटीटीपी नहीं लिखते, केवल एचटीटीपी लिखते हैं। ये पैकेज हो गया आपके यहाँ पे, ये इंस्टॉल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया, ये हमारा पूरा काम लिख लिया तुमने, यहाँ तक भी हो गया तुम्हारा ये काम। तीसरा टास्क लिखना है यहाँ पे, कॉपी करो तीसरे टास्क को, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ एंड में। जब आप टास्क लिखोगे 1 2 3, देखो तीसरे पे ना, ये ध्यान रखना ऐसे, स्पेस का ध्यान रखना, पेस्ट कर दो, एक तो आ जाएगा सही, पर दूसरा नहीं आएगा, ध्यान रखना, इसको सेट करना पड़ेगा। कॉपी मॉड्यूल का यूज करो। कंटेंट, क्या कंटेंट आप पास करना चाहते हो, वो कंटेंट लिख दो। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ऑफ वेब सर्वर विद कंटेंट, ठीक है, ये हमने लिख दिया इसमें, तो ये हमारा कंटेंट हो गया। ये कहां पर चला जाएगा, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, index.html नाम की फाइल ही क्रिएट कर देगा, कॉपी मॉड्यूल अपने आप क्रिएट कर देगा उसको, और ये कंटेंट इसमें पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, उसमें मैच कर रहा है, ठीक है, मैचिंग है, नीचे आ जाओ, एक रूल लगा दो यहाँ पे फायरवॉल का, ठीक है। फायरवॉल के रूल में क्या करना है आपका, ये तीसरा टास्क आपका हो गया। फायरवॉल डी मॉड्यूल का यूज करना है आपको, फायरवॉल डी मॉड्यूल का यूज करके सर्विस आपको क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। सर्विस कौन सी स्टार्ट करनी है, रूल, रूल को मतलब एचटीटीपी वाली सर्विस स्टार्ट करनी, परमानेंट करनी है, हाँ यस, इमीडिएटली अभी आपको इनेबल करना है या रन टाइम पे, इमीडिएट मतलब अभी रन टाइम पे इनेबल कर दो, परमानेंट भी क्या कर दो इसको, इनेबल कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेटस क्या कर दो इसका, साथ ही साथ क्या करना है आपको इसका स्टेटस, ये तो क्या क्या काम किया हमने यहाँ पर, फायरवॉल की सर्विस का, सॉरी फायरवॉल की मॉड्यूल का यूज करो, और इसका यूज करने के बाद कौन कौन, फर्स्ट की टू, 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है। देखिए फायरवॉल डी मॉड्यूल का यूज करना है, सर्विस एचटीटीपी की स्टार्ट करना है, परमानेंटली इनेबल कर दो उसको, इमीडिएटली ट्रू कर दो। स्टेट क्या करना है आपका, इनेबल, स्टेट इसका क्या होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है, इनेबल हो जाएगा आपका। अब बस काम हो गया, काम कंप्लीट आपका, ठीक है। इसको भी हम कर रहे हैं, बाद में देखेंगे इस वाले को लास्ट में। तो देखिए पूरी प्लेबुक आपको ऐसे दिखेगी, लास्ट में यहाँ बता रहे हैं, पूरी प्लेबुक आपका ये इस तरह से आपको दिखना चाहिए। रूल ये हो गया, ये सारे टास्क, पहला टास्क, दूसरा टास्क, ये तीसरा टास्क हो गया, ये चौथा टास्क हो गया आपका, ये पांचवा टास्क, पांच टास्क है इसके अंदर टोटल, ठीक है, एक मशीन में, जो किस मशीन में चलेंगे आपके, इस पर्टिकुलर मशीन में चलेंगे। तो ये देखो हमारा पूरा प्लेबुक कैसे दिखेगा, एक बार हम पूरी प्लेबुक देख लेते हैं। फायरवॉल, यहाँ पे कुछ मैंने ट्रेस कर दिया क्या, एक मिनट रुको, गलत हुआ इसमें, चलो कोई एक बार और लिखना पड़ेगा इसमें। तो देखिए हम लास्ट वाले इसमें यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, फायरवॉल डी तक लिखा हुआ आपका यहाँ पे, मैंने इसको सेव नहीं कर पाया, तो उससे पहले मैंने इसे क्विट कर दिया था, तो गलती से क्या हो गया था, क्विट हो गया था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बस एक मिनट का टास्क और है, दोबारा से इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया इसको, और ये इतने सारे वेरिएबल सेट कर दिए, वेरिएबल ठीक है हमारे। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो एंट्रीज तो हैं इसमें पैकेज की, तीसरी एंट्री और कर दो, ठीक है, तीसरी एंट्री हम यहाँ पे कर देते हैं,
ये एंट्री होगी आपकी तीसरी, ये एंट्री यहाँ पे कर लीजिए, ये एंट्री आ गई, लेटेस्ट आ गया, सब कुछ ठीक है आपका, सर्विस ठीक है यहाँ तक। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करता एक बार में, क्योंकि हमारे पास क्या है इतनी सारी चीज लिखी हुई है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी इनको सेट करना पड़ेगा बस आपको, कि आपको क्या करना है, कॉपी मॉड्यूल का यूज करना है, कॉपी मॉड्यूल का यूज करके कंटेंट में क्या लिखना है आपका, ये लिखना है डेस्टिनेशन कहाँ पे लिखना है आपको, इसे यहाँ पे लिखना है, और दूसरा टास्क आपको ये वाला स्टार्ट करना है। अब इसकी इंडेंटेशन मैच कर लो, सही चल रहा है बिल्कुल, फायरवॉल डी मॉड्यूल का यूज करो आप, सर्विस कौन सी स्टार्ट करनी है आपको, ये वाली परमानेंट करनी है, यस इमीडिएट अभी करना चाहते हो स्टार्ट रन टाइम पर भी, और ये हो गया आपका स्टेटस। तो पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, ये चौथा टास्क है आपका, और ये आपका पांचवा टास्क है। एक छोटा सा टास्क मैं यहाँ पे करता हूँ, कि शायद मैंने कल इसमें कुछ वेब पेज बना दिया तो उसको हटा दूंगा, ठीक है, वरना वो कॉपी पेस्ट उसी में हो जाएगा, स्लैश वेब, वेब के अंदर डब्ल्यू के अंदर HTML के अंदर जाता हूँ। देखो इसमें पहले लिखा है RM कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, जो कल हमने इसमें किया था। और देखिए इसका पैकेज भी मैं हटा देता हूँ, PM remove httpd, ये पैकेज भी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो सारा टास्क आपका एक बार में रिपीट हो जाएगा वन टाइम। स्टेटस कुछ देखो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अभी पैकेज भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अब इधर आ जाओ, ये पूरा टास्क आपका सेट कर दिया पे आपने, कर दिया सेव कर दो, कर दिया सेव, सिंटेक्स चेक कर लो एक बार, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। पेंसिबिल हाइपन प्लेबुक हाइपन हाइपन सिंटेक्स हाइपन चेक, चेक करते तो SYNTAX सिंटेक्स चेक पेंसिबिल हाइपन प्लेबुक, कहाँ पर गलती हुई है, हाइपन हाइपन SYNTAX सिंटेक्स हाइपन CHECK, ठीक है स्पेलिंग में मिस्टेक थी क्या, SYNTAX सिंटेक्स हाइपन चेक CHECK हो गया था, केवल सी नहीं लगाया था इसमें, ठीक है सिंटेक्स चेक। अब एक बार ड्राइव रन करके देख लो, सब कुछ सही चल रहा है, बीच में कोई मिस्टेक तो नहीं, कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ और मिस्टेक हो जाते हैं। तो देखिए कितने टास्क परफॉर्म किए इसने, चार, देखो यहाँ पे पांच टास्क होंगे, तो मेरे पास अभी चार ही है, अच्छा चार ही है, ठीक है इसमें चार टास्क किस पे, इस मशीन पे, एक टास्क इसके लिए दूसरी मशीन के लिए, क्योंकि वो ओपन करके चेक करेगा ना ओके करके, लोकल होस्ट के लिए, इसको मैं मैनुअली करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम ही मेरे सिस्टम पे काम नहीं कर रहे थे, मैं इसको दिखाऊंगा बाद में। सर्वर ए डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, इसमें चार टास्क होंगे, तो देखिए मेरे पास चार टास्क चल रहे हैं, मैंने लैब तो वही फॉलो की बट मैंने इसमें से किसी भी कंसेप्ट को सेम यूज नहीं किया, ऐसे नहीं कि सेम ऐसे ही करना है आपको, नहीं अपने अकॉर्डिंग डिजाइन, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए पूरा लैब हमारा चलेगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी चला नहीं एक्चुअल में, देखो कोई भी चीज अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, कुछ भी नहीं अभी, अब ड्राई रन के बाद रन करके चेक कर लो, इसको हटा दो चेक को, इसको रन करा दो, पूरी लैब देखिए चल रही है आपकी, ऐसे लैब बनाओगे तब प्रैक्टिकल कर पाओगे, ध्यान रखना। ये चीज लेवल थ्री पर अगर आपको जाना है, लेवल टू तक जा सकते हो RSC से करके, लेवल थ्री तक जाने के लिए आपको ये आना चाहिए, आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड पेंसिबल है आपका, ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग ये सारी चीजें, ठीक है, तो इसका बहुत यूज है आज के इंडस्ट्री में, ध्यान रखना। चलो ये हो गया आपका,
अब हम दोबारा देखते हैं, देखो सर्विस क्या हो चुकी है इनेबल, हमने देखिए इसी तरह से मुझे 20 सिस्टम रन करना है, तो एक मिनट के अंदर 20 सिस्टम रेडी आते हैं। एक बार आपने प्लेबुक बनाई ना, आपने बार बार तो नहीं कि इसी को बोलते ऑटोमेशन, 20 सिस्टम पे होगा तो ऑटोमेट हो जाएगा, अपने टास्क वहां से बैठो पुश कर दो, ये पुश रूल है आपका, पुश ही तो कर रहे हैं कि हमने बस प्लेबुक को पुश किया। अब पैकेज चेक करो, पैकेज इंस्टॉल हुआ आपका, तो जी पैकेज इंस्टॉल हो गया, पैकेज इंस्टॉल हो गया, सर्विस स्टार्ट हो गई, सारे टास्क आपके चल रहे हैं, ये है आपका काम। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल हो गया। अब ये क्या होता है बताऊंगा अभी आपको, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए पहले जल्दी से, कितने में वेरिएबल कैसे सेट करते हैं, कोई भी दिक्कत है बताइए जल्दी से। हाँ जी, अब दिक्कत क्या होगी, प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ बोलोगे ना, आपने प्रैक्टिकल किए नहीं तो बोलोगे कहां से, सही बात है गलत बात है, अगला तो बताओ मुझे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं एक दिन पूरा आपको दे सकता हूँ इसके लिए, बट आप लोगों को पहले थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा कि सर मैंने ये काम किया उसे ये नहीं हो रहा, आप मुझे मैसेज तो करो कम से कम, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें पूरी पूरी। आपको कोई मशीन नहीं बन रही, मुझे बताओ तो कम से कम। अब आप स्टेप आगे बढ़ाओगे नहीं तो, क्योंकि आप ऑनलाइन हो सब, मैं वहां पे जाकर के ऑन तो नहीं कर सकता, आपको मुझे उसका रिमोट सेशन देना पड़ेगा, तब मैं उसमें आपको बता सकता हूँ कि ये गलती आप कर रहे हो। सो प्लीज स्टार्ट एंड डू प्रैक्टिकल, क्रिएट द लैब। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपने सीधा सीधा मैंने आपसे कहा यूजर बना दो बन गया, ठीक है, मैंने कहा यम करके इंस्टॉल कर लो इंस्टॉल हो गया, ऐसे नहीं चलेगा आपका। जब तक आपकी लैब नहीं बनेगी आपका यम इंस्टॉल, ये तो हम सिंपल हमने पहले भी किया था, बट वही टास्क आपको ऑटोमेट करके करना है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। आज मैंने आपको बताया वेरिएबल कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, वेरिएबल को कॉल कैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से, एक पूरी लैब करके मैंने आपको दिखा दी है, बताइए जी। हाँ एक चीज और करके दिखा दूँ पहले मैं आपको, इस मशीन पे आकर के ना सर, और लोकल होस्ट पहले तो मैं आपको ये चला दूँ, ये तो लिखा था मैं इसमें, मैं अपनी मशीन पे भी चला के दिखा रहा हूँ, सी यू आर एल कर एस टी टी पी कॉलन एम ए एन ए जी डी मैनेज होस्ट। अच्छा अभी फायरवॉल में उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉरी एक मिनट रुको, फायरवॉल में एंट्री नहीं करती थी ना, चल गया ना आपका, क्योंकि वो रिजॉल्विंग का इशू था। देखिए इस मशीन पे भी आपका क्या हो रहा है, वेब कंटेंट खुल रहा है आपका, आप 5-6 डिप्लॉय हो चुका है देखो, ठीक है, ऐसे करना चाहिए आपको। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ मैनेजिंग सीक्रेट। किसी ने विंडोज में कभी एक फंक्शन यूज किया आपने, कौन सा बोलते हैं उसको विंडो में, मैं एक बार दिखाता हूँ अगर आप लोगों को याद हो तो, बिट लॉकर पढ़ा है किसी ने बिट लॉकर के बारे में, या कभी यूज किया हो, पढ़ा तो चलो एक अलग बात है, यूज किया हो किसी ने जैसे बिट लॉकर, सर नाम सुना है, यूज भी सर, ड्राइव को सर लॉक कर देता है, ड्राइव को लॉक कर देता है, उससे फायदा क्या होता है सर, अपना ड्राइव को प्राइवेट, डेटा को प्राइवेट रख सकते हैं, मतलब कोई मतलब उसको अनलॉक नहीं कर पाएगा सर, कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसे मतलब यूज ना कर सके, एक्सेस ना कर पाए, इस वजह से। अगर मैं इस पे बिट लॉकर लगा दूंगा तो इसको कोई खोल नहीं पाएगा, अगर मैं इस पे लगा दिया तो वही बंदा क्या कर सकता है, इस पे ओपन कर सकता है, इसको उसका पासवर्ड पता होगा सेफ। तो जैसे यहां पे बिट लॉकर यूज करते हैं, ऐसे में चाहते हो मेरे प्लेबुक को कोई ओपन ना कर पाए, अगर ओपन भी कर ले तो प्लेबुक के अंदर कोई कुछ देख ना पाए। अगर सपोज करो कि मैंने किसी वेरिएबल के अंदर किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर वेरिएबल सेट कर रखे हैं, यूजर नेम पासवर्ड बहुत सारी चीज हो सकती है ना, पासवर्ड क्या एक सेंसिटिव डेटा है, क्योंकि पासवर्ड में प्लेन टेक्स्ट में लिखूंगा तो क्या होगा, गलत है, मैं उसको क्या कर दूंगा, सीक्रेट कर दूंगा। तो उसमें उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एनसीबी वॉल्ट टेक्नोलॉजी। किसी भी पर्टिकुलर प्लेबुक को सीक्रेट करना है या किसी पर्टिकुलर फाइल को आपको एनक्रिप्ट करना है, तो उसके लिए हमें वॉल्ट टेक्निक का यूज करना पड़ता है। कैसे करेंगे अभी आपको दिखाते हैं।
देखो एंसिबल में नीड एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, कुछ डेटा ऐसे भी हो सकता है बहुत सेंसिटिव है आपका, जैसे पासवर्ड, एपीआई कीज की इंफॉर्मेशन, जिनको इन ऑर्डर टू कॉन्फिगर मैनेज होस्ट, नॉर्मली दिस इंफॉर्मेशन माइट बी स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, कहां पर इन्वेंट्री फाइल के अंदर हो सकती है आपकी, अगर किसी वेरिएबल के अंदर आपने ये चीज डिफाइन कर रखी है या अपनी कंडीशन फाइल में ये चीज डिफाइन कर रखी है, तो वहां पे आपने जो लिखोगे तो वो लिखते कैसे, हम प्लेन टेक्स्ट में लिखते हैं, बट प्लेन टेक्स्ट में होगा तो कोई भी क्या कर सकता है, देख सकता है ना उसको, क्योंकि इन दैट केस उस कंडीशन में क्या करोगे आप, एनी यूजर विद एक्सेस टू एनसीबल फाइल और अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम व्हिच स्टोर द एनसीबल फाइल वुड हैव एक्सेस टू द सेंसिटिव डेटा, दिस प्रोसेस कैन ओबीएस सिक्योरिटी रिस्क। अब आपको बताएगा कि एनसीबल वॉल्ट क्या करेगा, इंक्लूड विद एनसीबल, इसे एनसीबल में इंक्लूड किया गया है क्या करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, अगर एनक्रिप्ट है तो डिक्रिप्ट कर सकता है, एनी स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम जो एक स्ट्रक्चर हमने पूरा इसका एक स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड है आपको, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहिए, बहुत ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं, एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है उसका अपना स्ट्रक्चर है, जिसे एनसीबल क्या कर रहा है यूज कर रहा है। तो एनसीबल क्या करता है आपका, वॉल्ट एक कमांड लाइन टूल होता है, जैसे एनसीबल वॉल्ट करके कमांड चलती है, ये किसी भी पर्टिकुलर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, उसे एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, एनसीबल वॉल्ट के थ्रू डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं एनसीबल वॉल्ट कमांड के थ्रू। तो एनसीबल एनक्रिप्ट किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, एनक्रिप्ट कर सकता है और उसको बाद में एनसीबल के थ्रू यूज भी कर सकते हैं। जिस बंदे को उसका पास पता होगा वो प्लेबुक को रन कर पाएगा, जिसको नहीं पता होगा प्लेबुक को रन नहीं कर पाएगा, इट मीन्स उन वैल्यू को वो यूज कर पाएगा, अगर नहीं पता है पासवर्ड तो उस वैल्यू को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू सेट होती है, ठीक है। इसके लिए पाइथन का ये कुछ पैकेज है, ये वाला क्रिप्टोग्राफिकल मैकेनिज्म का पैकेज है, कुछ कॉल करना पड़ेगा और आपको ये कमांड इसमें टाइप करनी पड़ेगी, एनसीबल वॉल्ट, जैसे कि आप कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हो उसमें कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो और वो क्या होगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी, और पहले से कोई फाइल क्रिएट है तो क्या हो जाएगा आपका, आप उसे एनक्रिप्ट कमांड से एनक्रिप्ट कर दो। देखिए एलएस करते हैं हमारे पास, ठीक है, एनसीबल हाइफन वॉल्ट, ठीक है, क्रिएट करो एक फाइल क्रिएट करते हैं, जस्ट सिंपल फाइल, इसमें कुछ लिखते हैं, ठीक है, सीक्रेट वन डॉट वाई एम एल करके, कह रहे वॉल्ट का पासवर्ड क्या रखना चाहते बताओ जल्दी से, तो मैंने इसमें सपोज कुछ भी रख दिया, कंफर्म कर दो उस पासवर्ड को, चलो कर दिया, यहां पर मैंने कुछ भी लिखा, सपोज क्या लिखा यहां पर मैंने, This is a sensitive data. ठीक है, बस मैं लिख दिया, बस एक सिंपल बस एक फाइल बना के आपको लिख के दिखाना चाहता हूं कि क्या अब इसको कोई देख पाएगा, फाइल बन गई आपकी, देखिए नाम क्या था इसका, ये फाइल है, कैट करके देखो क्या इसमें देख पा रहे हो क्या लिखा है, ये आपका क्या हो गया, इसने इस मैकेनिज्म का यूज किया, AES क्रिप्टोग्राफिकल मैकेनिज्म का, तो एनसीबल वॉल्ट, ये देखो जो कुछ भी मैंने लिखा था उसने इसे क्या कर दिया, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, हो गया, देखिए इसमें पासवर्ड जो दिया गया आपका, अब इसको यूज कैसे करेंगे, कह रहा कि एनसीबल वॉल्ट क्रिएट हाइपन हाइपन वॉल्ट फाइल वॉल्ट सीक्रेट, कह रहा कि अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, वॉल्ट का जो पासवर्ड है ना किसी फाइल में रख दो, बाद में जब भी आपको किसी वैल्यू को कॉल करना होगा तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है,
जो पासवर्ड है वो आप टाइप नहीं करना चाहते, हो सकता है कि इसने मेरे सिस्टम पर की लॉगर चला दिया, तो वो देख सकता है ना कि आपने क्या चीज टाइप कर दी है। की को क्या करते थे, लॉग, की लॉगर अगर मैं इसमें इंस्टॉल कर दूं, आप अपने कीबोर्ड से क्या क्या टाइप कर रहे हो, तो मैं पासवर्ड टाइप नहीं करना चाहता। पासवर्ड कहाँ से पास करना चाहता हूँ, किसी फाइल से पास करना चाहता हूँ। तो कैसे पास करोगे, तो ये ले आ गया आपका वॉल्ट। सपोज मैंने क्या किया, विम करके फाइल बना दी वॉल्ट हाइफन पास करके, उसमें पासवर्ड रख दिया। सपोज मैं उसको पासवर्ड देना चाहता हूँ रेड हैट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड हैट। वॉल्ट का जो पासवर्ड देना चाहता हूँ मैं रेड हैट लिखना चाहता हूँ, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, फाइल बनाओ। फाइल का नाम मैं आपके पास कुछ और रख दूंगा, तो जैसे कि आपने ये बनाया था अभी, ये इसका नाम रख दिया टू, ठीक है। जैसे मैं क्या करूंगा, ये एंटर करूंगा, ये पूछेगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता मेरे पास पासवर्ड मैंने सेव कर रखा है एक फाइल के अंदर, वहां से कॉल कर लो आप। तो कैसे कॉल करोगे उस चीज को, हाइफन हाइफन तो वहां से क्या कर लो, उसको कॉल कर लो वर्ल्ड हाइफन पासवर्ड, एक मिनट इसमें क्लिक नहीं हुआ, हाइफन पासवर्ड। वो पासवर्ड कहाँ रखा है, फाइल में रखा है, VAULT वर्ल्ड हाइफन पास नाम की मैंने फाइल बना रखी है। अब पहले मैं आपको दिखा दूँ तो फाइल कहाँ पर है, उसके बाद डिलीट करो। मेरे पास ये फाइल वर्ल्ड, ये पासवर्ड है, जैसे कि मैं बता रहा था यूजर को पासवर्ड क्या कर लो, इको से प्रिंट करा लो, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करेगा, ये पासवर्ड टाइप करूंगा मैं, मैंने कहा मैं टाइप नहीं करना चाहता पासवर्ड, यहाँ से इस फाइल में रखा है पासवर्ड, कॉल कर लेना आप इसको। तो कमांड पूरी दोबारा से कॉपी करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे रखा एंसिबल वॉल्ट कमांड है, थोड़ा से इसको आप देखिए, एंसिबल वॉल्ट कमांड है, क्रिएट करो एक फाइल, फाइल का नाम क्या है ये नाम रखो इसको, पासवर्ड जो देना चाहते हो यहाँ से कॉल कर लेना आप, रखा हुआ है इसमें पासवर्ड। आगे देखिए मैंने कुछ दिया तो नहीं इसमें, लिख दो आई पेस्ट करो, दिस इज another file, okay, save। ये दो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए, कैट करके देखो इस वाली फाइल को भी चेक कर लो, ये भी आपका सीक्रेट फाइल है, इस फाइल को भी चेक करो, दूसरी फाइल क्या है आपकी, ये वाली फाइल, दोनों ही सीक्रेट फाइल है आपकी। बस तरीके क्या है, दोनों के अलग अलग है। पहला तरीका क्या है आपका, ये वाला कंसेप्ट है कि आपने क्या किया, फाइल क्रिएट की, फाइल क्रिएट की उसका नाम क्या रखा वन, ये पहला था आपका तरीका, कंट्रोल सी करके आता हूं। दूसरा तरीका क्या आपका, ये वाला। तो दोनों तरीके जो आपको सही लगता है अपना फाइल क्रिएट कर लो उस तरह से। अगर कोई फाइल पहले से है तो एक मिनट रुकना है, देखिए यहां तक किसी को पूछना तो नहीं आता इन दो चीजों में किसी को भी, कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और इसको एनक्रिप्ट कैसे करते हैं। हाँ जी, चल ठीक है जी। अब ये देखो देखना है कैसे आपका, अब इस फाइल को देखना भी तो है, आपने कहा सर मुझे कि देखना भी इसमें लिखा क्या है, पर देख कौन पाएगा, जिसको उसका पास पता होगा, ठीक है जी। इस फाइल को मुझे व्यू करना है, तो क्रिएट की जगह व्यू कर दो, कर दिया व्यू,
पासवर्ड दे दो आप इसका, ठीक है, मैंने पासवर्ड गलत दे दिया सपोज, या मुझसे गलत हो गया, तो कह रहे हैं कुछ खोल नहीं पाओगे आप इसको, कोई बंदा आएगा तो इसको खोलेगा, गलत पासवर्ड से खुलेगा थोड़ी वो आपका। चलिए अब की बार हम सही पासवर्ड देते हैं जो हमने दिया था। क्या लिखा था इसमें हमने, दिस इज अनदर फाइल, ओके। एक और फाइल थी मेरे पास, इसको भी देख लेते एक बार क्या है इसमें। लो जी दोनों फाइल में पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। तो ये कमांड है, बाय दिस पर्टिकुलर कमांड यू कैन व्यू द कंटेंट दैट इज एनक्रिप्टेड थ्रू द Ansible Vault command. So by using this particular utility, we can view the content that available in the secret file. तो ये आपका हो गया। Then कह रहे कि ठीक है चलो ये तो हो गया आपका, एडिट करना है मुझे इसमें, कुछ और लिखना है तो भी आपको क्या पता होना चाहिए, पासवर्ड चाहे क्रिएट करना हो, व्यू करना हो, एडिट करना हो, तो एडिट कमांड आप एक लाइन इसमें एडिट करके देख लेते हैं, क्योंकि प्लेबुक को आपको बार बार लिखना पड़ेगा ना कभी भी आपको, फिर ओपन करोगे एडिट करोगे, सेम यही कंसेप्ट प्लेबुक के साथ चलता है आपका, ठीक है। तो आपका कौन सा बना था, वन, इसका ये खुल गया, एक नई फाइल, दिस इज एनोदर डेटा लाइन टू, देख लो इसको फिर दोबारा से, VIEW view, then जो भी आपका पासवर्ड है, ये दोनों लाइन्स आपके अपीयर होंगे इसमें, दोनों लिखी हुई, तो व्यू हो गया। एक होता है पहले से कोई फाइल बना लो आप, उसको एनक्रिप्ट करके चेक करो, ठीक है, एनक्रिप्ट कैसे करते, एक फाइल भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, उनको लिख देते लो आप, जितनी भी फाइल्स हैं दोनों फाइल को लिख लो। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आपके सामने आरएम करता हूँ, सीक्रेट वन डॉट वाई एम एल को हटा देता हूँ और सीक्रेट टू डॉट वाई एम एल को हटा देता हूँ, ठीक है, एलएस करो कुछ भी नहीं है। अब क्रिएट कर लेते हैं, इको करके मैंने क्या किया, इसमें लिखा कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, ये लिखा सीक्रेट डॉट वाई एम एल लिख दिया आपने, ठीक है, नहीं लिखा भी, केवल प्रिंट हुआ है, लिख गया, हेलो टू लिखते हैं इसमें हम, एक मिनट को, हेलो वन, मैं इसका नाम सीक्रेट वन ही कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टू लिखो और यहाँ पे क्या लिखो, टू लिखो, सो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा आपका, ठीक है, कैप कर लो, इसमें जाना चाहते हो इसमें, ठीक है, इसमें हेलो टू लिखा है, इसमें देखो क्या लिखा है, बिल्कुल ठीक है। अभी तो दोनों चीजें दिख रही हैं आपको, सेंसिटिव ये क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ दोनों चीजें दिख रही हैं आपको, आप इसको एनक्रिप्ट कर लो, करोगे एनक्रिप्ट, यूज दिस पर्टिकुलर कमांड एक बार में या अलग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीबिल वॉल्ट हाइपन वॉल्ट एनक्रिप्ट, this is the first file, second file, ठीक है, पासवर्ड जो भी आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एनक्रिप्ट सक्सेसफुली हो गया आपका, एलएस करो, फाइल दिख रही है आपको यहाँ पर, पहले इसमें जाओ देख लो क्या है, दूसरी वाली फाइल में जाओ इसमें भी देख लो क्या है, ठीक है, व्यू करना चाहते तो एक को व्यू करके देख लेते हैं, जहाँ पे हमने क्या लिखा था, क्रिएट लिखा है, यहाँ पे उसकी जगह पे क्या करते हैं, व्यू कर देते हैं, पासवर्ड दे दो अपना जो भी आपका पासवर्ड है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। एक छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट, आउटपुट फाइल, आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर फाइल है आपका, यूज ऑप्शन टू सेव एनक्रिप्टेड फाइल विद न्यू फाइल, कोई फाइल पहले से एनक्रिप्टेड है बट मैं उसे डिक्रिप्ट करना चाहता हूँ बट उसका आउटपुट किसी दूसरी फाइल में रखना चाहता हूँ, तो ये वाला कमांड यूज करूँगी, अभी करूँगा आपका, यहाँ बताऊँगा इस चीज़ को, ठीक है, ऐसे कर सकते हो।
डिक्रिप्ट कैसे करोगे? ठीक है, सिंपल पहले मैं डिक्रिप्ट करता हूँ, ये वाला कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, ये वाला, ये न्यू फाइल के लिए। पहले सिंपल देखो, मेरे पास एक फाइल है, उसको मुझे डिक्रिप्ट करना है कि मैं जब भी इस फाइल को देखूँ, अब इसका काम खत्म हो गया, देख रहे हैं? Ansible, ठीक है, Ansible hyphen void decrypt, decrypt किसको करना है? ये फाइल है, इसको कॉपी करके पेस्ट करो यहाँ पर, एंटर, पासवर्ड बता दो उसमें अपना, हो गया। कैट करो दोबारा से इसको, देखो इसमें क्या लिखा है। ये तो सिंपल तरीका है आपका कि उस फाइल को आपने डिक्रिप्ट कर दिया, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे इस फाइल को ना, इस फाइल को, ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, मैं इसको डिक्रिप्ट नहीं करना चाहता, ये ऐसी रहे उसे यूज करने के लिए, बट मैं इसका एक आउटपुट दूसरी फाइल में सेव करना चाहता हूँ, कहीं और रख लूंगा, या अपनी पेन ड्राइव में रख लिया मैंने अपना, वो मेरे पास भी रहना चाहिए कि बाई चांस मैं कभी भूल ना जाऊँ, तो मैं एक जगह पर और स्टोर कर रखा हुआ सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। जब मुझे इसे नेटवर्क में कभी यूज करना होगा या कुछ भी मुझे कुछ करना है, तो मैं इसकी दो जगह रखना चाहता हूँ, एक आउटपुट एक अलग फाइल में और रखना चाहता हूँ। या हो सकता है कि आप प्लेबुक को स्टोर करके एक दूसरे रखना चाहते हो, आप अलग से पहले प्लेबुक है पूरा आपका, तो वो रख सकते हो आप इस तरह से। कैसे? सेम इसी कमांड का यूज करते हैं हम, डिक्रिप्ट किया, नाम इसका क्या है, इस वाले को मैं डिक्रिप्ट करना चाहता हूँ, बट मैं इसका आउटपुट दूसरी फाइल में सेव करना चाहता हूँ, उसका नाम जो भी रखना चाहते हो रख दोगे। तो यहाँ पे आपने कहोगे हाइपन हाइपन ओ यू टी आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हो जाएगा आपका, आउटपुट इक्वल टू लगा दो आप उसमें, फाइल का मैं नाम सेम ही कर देता हूँ, अंडरस्कोर डी सी आर वाई पी टी, पूरा नाम क्या हो गया, ये आउटपुट फाइल सीक्रेट टू अंडरस्कोर डिक्रिप्ट डॉट वाई एम एल, मेन फाइल क्या है, ये फाइल ही मेन, ठीक है, कुछ गलत हो गया शायद, हाइपन हाइपन ओ यू टी नहीं लिखा मैंने, ओ यू पुट हो गया है, आउटपुट ओ यू टी पी यू टी सीक्रेट टू अंडरस्कोर डिक्रिप्ट डॉट वाई एम एल, अब चल जाना चाहिए, जो भी पासवर्ड अपना दे दो, ठीक है, एल एस करिए, कैट करिए, एक नई फाइल बन गई आपकी, आउटपुट यहाँ पे आ गया आपका, हेलो टू लिखा था इसमें, इस तरह से चलता है। कभी आपको पासवर्ड आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते उसको, मतलब इससे कोई चीज़ को क्या कर सकते हो, जैसे पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड देख नहीं सकते, री की कर दो, हो सकता है कल मुझे पासवर्ड अपना चेंज करना पड़ गया, अभी मैंने रेडर दिया था, अब की बार मैंने आर कैपिटल में कर दिया, देखो दिखा रहा है आपका चेंज करके, कि जब भी आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज कैसे करोगे, इसी का चेंज कर लेते हैं हम, देखो मैंने देखा इसमें, ये मेरे पास फाइल है, ठीक है, अब ये क्या इनक्रिप्टेड फाइल है, मुझे इसका पासवर्ड चेंज करना है, सपोज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इस फाइल को व्यू करके, तो मैं इसमें पासवर्ड अभी क्या ले रहा हूँ, ठीक है, देखो एक चीज बताता हूँ आपको कंफर्म करने के लिए कि एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। तो देखिए मैंने कंसेप्ट यूज किया था, देखिए स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो, अभी थोड़ी देर पहले कहाँ पे था, ये देखिए, ये मैं छोटा सा काम क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी एक वॉल्ट करके पासवर्ड दिख रहा है आपका रेडिट लिखा है, मैंने भी अभी इसमें रेडिट दिया था, अब मैं रेडिट कैपिटल में करूँगा, ठीक है ना, अभी इस फाइल को ओपन करता हूँ मैं, मैंने क्या किया इंसविल वॉल्ट किया आपको श्योरिटी दे के लिए, व्यू करता हूँ मैं अभी, देखिए वी आई ई डब्ल्यू देखा मैंने और रेडिट दिया मैंने इसमें, अभी आपको देखा नहीं रेडिट, बट आपको ये तो पता है कि इसमें क्या रखा हुआ है, रेडिट ही है। अब की बार मैं इस फाइल से क्या कर लेता हूँ, इस इनपुट को पास करा लेता हूँ व्यू करने के लिए, ठीक है, तो व्यू करने के लिए मैंने कहा क्या कहा से हाइपन हाइपन वॉल्ट हाइपन पासवर्ड इक्वल टू, पासवर्ड कहाँ रखा है आपका, वॉल्ट हाइपन पास में रखा है, मान क्या है, व्यू करना चाहते हो इस फाइल को, व्यू करना चाहते हो पासवर्ड कहाँ रखा है आपका, इसमें रखा है आपका, देख लिया आपने, कैट करके देखो
और ध्यान रखना ये फाइल आपका काम हो जाए डिलीट कर देना इसको, ये तो उस पर्पज के लिए बनाते हैं हम फाइल को, जिससे कि जब मैं कोई चीज लिखूं तो मेरे कीज की एंट्री सिस्टम के अंदर ना जाए, तो मैं कीबोर्ड से चीजों को प्रिंट टाइप नहीं करना चाहता। अगर किसी हैकर ने मेरे सिस्टम में की लॉगर डाल दिया भाई चांस मुझे पता ही नहीं, तो वो तो चेक करता है ना कि क्या क्या आप टाइप कर रहे हो, जब इसको रन कर रहे हो तो आपने पासवर्ड क्या टाइप किया होगा, मैं उस चीज को भी इग्नोर करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन के लिए आप ये यूज कर सकते हो। तो आप देख लो उसको फिर रिमूव कर दो उसको, ये चीज क्लियर होगी आपकी। यही सेम है क्या बता रहा था आपको, एडिट हो गया आपका, ये भी हो गया, हाँ ये की बता री की बता रहा था आपका। देखिए अब की बार मैं री की क्या करूंगा, पासवर्ड पहले क्या था ये, अब की बार मैं इसमें क्या कर ये फाइल के अंदर जाता हूँ, अपना पासवर्ड चेंज कर दूंगा बाद में यूज करने के लिए, अभी नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि उसमें चेंज कर रहा हूँ। तो कमांड क्या है, री की, ठीक है, दोबारा से आप की देना चाहते हो किसको, ठीक है, ये मैं इसमें री की कर रहा हूं, तो पहले रेडेड था, अब की बार मैंने रेडेड कैपिटल में कर दिया, आर कैपिटल में हो गया, ठीक है। अब आप इस फाइल को दोबारा से देखिए इसी पर्टिकुलर कमांड से, देख पा रहे हो क्या, क्यों अब आपने क्या कर दिया, आर कैपिटल में, अब अभी आपने आर यहाँ पे कैसा लिखा है ये, तो कल फिर आपने चेंज कर दिया पासवर्ड, तो दोबारा फिर चेंज कर लो इसमें, फिर अपना उसको देख लो। चलो देख लेते एक बार हम वर्ल्ड पास, अब यहाँ पे आई प्रेस करो, आर कैपिटल में कर दो, अब क्या मेरा न्यू पासवर्ड ये हो गया। अब दोबारा से आप इसको देखो फाइल को, देख पा रहे हो ना, अब आपका ये इससे देख पा रहे हो, ये होता है पूरा कंसेप्ट आपका, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। रीकी करना है आप ऐसे भी कर सकते हो, पासवर्ड होता है तभी आपको सेम यही लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, कि जो पासवर्ड फाइल है वो सेम पासवर्ड पास करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से बता रहा है कि प्लेबुक रन करोगे, प्लेबुक के अंदर कुछ ऐसा है, देखिए अगर प्लेबुक के अंदर कुछ ऐसा आपने डेटा सेंसिटिव है उसको कॉल करना है, तो ये इस तरह से आप इसमें कॉल करते हैं वॉल्ट हाइपन आईडी करके, जब आपको प्लेबुक को रन करना होता है ना, ऐसे रन करते हैं इसको, ऐसे प्रॉम्प्ट करके साइट, ठीक है, ये मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, इसका एक लैब है पूरा वो करके दिखाता हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद एक प्लेबुक पूरी लिख करके रन करके दिखाना है मुझे इसमें, तो वो कैसे यूज करोगे, ये देखिए ये लैब है पूरी, छोटी सी लैब है आपकी, देखो कैसे यूज करना है आपका इसको। उसके बाद क्या है एक बार मैं देखूँ, सर यही लास्ट होगा इसमें, अच्छा फैक्ट, ये अब कल करेंगे, आज इतना ही हो पाएगा, आज हम इतना ही करेंगे, फैक्ट को कल डिस्कस करेंगे। फैक्ट लास्ट ही होगा, फैक्ट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, गैदरिंग फैक्ट है आपका इसमें, कस्टम फैक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, बस ठीक है इतना ही है, एक छोटा कंसेप्ट और बचेगा आपका जो हम कल करेंगे, आज ये दो कंसेप्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चलो इस लैब को कर लेते हैं पहले, लैब अच्छी है ये ध्यान रखना, आर एस सी के अंदर इतनी सारी लैब्स हैं वो सब अच्छी है, इसमें एक एक कंसेप्ट को देखते चलिए, केवल लैब को फॉलो करना है आपको, पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, और यही लैब सेम टू सेम एग्जाम में भी आती है, एग्जाम कुछ नहीं अलग से कुछ नहीं आता आपका, सब कुछ लैब से आता है, इसलिए आपको लैब को फॉलो करने से एग्जाम देना है, और जिसको नहीं देना तो खैर उसका तो मैं थोड़ा सा इसका साइज क्या हुआ, ठीक है थोड़ा सा कम कर रहा हूँ साइज, तो मुझे यहाँ पे देखना चाहिए सारा। चलो अब देखिए, अब आपको उसमें करना है क्या, देखिए अभी हम कहाँ पर हैं, कंट्रोल नोड पर, ठीक है, लैब डेटा सीक्रेट स्टार्ट, इसे कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसको, पहली कमांड है आपका एनसीबिल वॉल्ट एडिट सीक्रेट डॉट वाई एम एल, कह रहा है कि आपका इसमें कुछ लिखा हुआ है
एक यूजर है, यूजर का नाम क्या है ये, और एक पासवर्ड दे दो। जरूरी नहीं कि हैश फॉर्मेट में दो, सिंपल दे दो। हैश में कैसे करते हैं ये भी बता दूंगा आपको मैं। एक कमांड होते हैं उससे पासवर्ड क्या कर सकते हैं, हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और मैं वही सेट टू से मैं आपको फॉलो करके दिखाता हूँ। आपका फाइल का नाम क्या है, इन्होंने इस फाइल का नाम ये दिया तो हम भी यही कर देते सेम सेम विम करके सीक्रेट डॉट वाई एम एल। आगे आप इसके अंदर इसको डिलीट कर दो। इसमें क्या लिखना है, यूजर जो क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम लिख दो। एक यूजर क्रिएट करके दिखाया इसमें, यूजर नेम, यूजर का नेम क्या है, इसकी वैल्यू है एंसिबल यूजर 01, हमने ये नाम रख दिया। पासवर्ड तो मैंने यहाँ पे देख किया PW, बस इतना कर दिया इतना ही, ठीक है ना। PW इसका पासवर्ड क्या होगा आपके सामने, मैं रेडेड रख लो, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मेट में सेव कर दो इसकी, क्योंकि ये मैं कैसे किया। अब इस फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी तो कोई भी देख सकता है ना पासवर्ड रखा है इसके अंदर, इसके अंदर पासवर्ड रखा हुआ है सीक्रेट डॉट, ठीक है, एम ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, जितनी चीजें हैं सब। और क्या था इसमें, कुछ और भी है, सीक्रेट वन, वन डॉट, ये भी हटा दो। अब केवल एक ही फाइल बची हमारे पास, ठीक है, कैट कर लो एक बार सीक्रेट ये, ठीक है। अब आप इसको पहला काम क्या करोगे, आप व्यू करके दे, ये पहले से मैंने एनक्रिप्ट कर रखा है, बट मुझे तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा ना। तो एंसिबल हाइपन वॉइट ENCRYPT किसको एनक्रिप्ट करना है, इस पर्टिकुलर फाइल को एनक्रिप्ट करना है, ठीक है जी। एनक्रिप्ट कर दिया हमने, इसमें जो भी पासवर्ड देना है वो पासवर्ड दे दिया इसमें, ठीक है, हो गया। अब कैट करूँगा, इसमें मेरे यूजर की इन्फॉर्मेशन रखी है, यूजर और पासवर्ड इसी फाइल। मैं इस फाइल को कॉल करूंगा कहाँ से, प्लेबुक के अंदर से, बाहर से कॉल कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। एलएस करो, देखो ये दिख रहा है आपका, पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम इसमें क्या करना है आपको, प्लेबुक लिखनी है आपको, तो मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम बहुत लगेगा। नाम क्या रखा है इसका इन्होंने, क्रिएट यूजर्स, चलो हम भी सेम नाम दे देते हैं, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर्स, एक मिनट, यूजर्स डॉट वाई एम एल, विम क्रिएट अंडरस्कोर यूजर्स डॉट वाई एम एल, देन पेस्ट दिस कंसेप्ट। हमारा सर्वर का नाम ये तो नहीं है, अलग है, क्या नाम है हमारे सर्वर का, नाम वेब सर्वर्स, ये हमारा ग्रुप का नाम है, सर्वर का नाम नहीं कह रहा, ग्रुप का नाम, ठीक है। इस मशीन पे टास्क आपको, इसकी जरूरत नहीं आपको हटा दो इसको, मैं बाद इसके बाद जो आएगा ना कल जो टॉपिक आएगा वो यही आएगा, इसलिए मैं आपको इसे अभी नहीं बता रहा, इसका मैं कल यूज बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। ये वेरिएबल आपने सेट कर रखा है आपने, सॉरी वेरिएबल ये रखो, और वेरिएबल एक फाइल है आपका, थर्ड से स्टार्ट, देखिए नेम क्या है, कुछ भी रखो जो आपको रखना है यहाँ पे। होस्ट का नेम क्या है, ये हमारा होस्ट का नेम है। यूजर का नाम हमारा भी क्या है, डेवऑप्स ही है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया यहाँ पे। वेरिएबल फाइल कहाँ रखी है आपकी, जो आपने फाइल है जिसमें आपके वेरिएबल रखे हुए हैं, मतलब पासवर्ड, यूजर की वैल्यू, वो सारी चीज वेरिएबल तो है आपके, वो कहाँ रखे हैं आपके, इस फाइल में रखे हैं, उसको कॉल कर लो यहाँ से। तो वेयर्स अंडरस्कोर फाइल्स होता है, एट्रीब्यूट सेट करना पड़ता है आपका, कह रहे कि आप टास्क क्या करना है आपको, रन करना है टास्क, बता दो आप मुझे, इनकी ऑर्डरिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा टास्क आपको पुश करना है आपका, क्रिएट करना है यूजर, मॉडल, मॉडल कौन सा यूज करना है, यूजर मॉडल का यूज करना है आपको। नेम क्या यूजर का, यूजर का जो नेम है वो क्या रखा था हमने, यूजर नेम रखा था, और पासवर्ड, पासवर्ड की जो वैल्यू रखी थी वो ये नहीं रखी थी हमने, PW रखी थी केवल, हमने वैल्यू क्या रखी थी, PW। वेरिएबल का नाम क्या था, यहाँ यूजर नेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, PW था हमारा नाम,
तो नाम यहाँ से कॉल कर ले, कहाँ से, जो इस फाइल में रखा हुआ है। पासवर्ड कहाँ से ले लेगा, पासवर्ड यहीं पे रखा हुआ, इसमें से कॉल करेगा। बस इतना करके दिखाया है इसमें, क्या सिंटेक्स चेक कर लो इसको। ये आपका एक छोटा सा प्लेबुक यहाँ पे बना के दिखाया गया आपका, कैसे यूज करोगे इसको आप। चलो हमने भी बना ली, अब इसका एक बार सिंटेक्स चेक करो आप पहले इसका। एनसीबिल हाइपन प्लेबुक और हाइपन हाइपन एस वाई एन टी एक्स सिंटेक्स हाइपन सी एच ई सी के, चलेगी नहीं आपकी, क्योंकि आपने तो पासवर्ड नहीं बताया उसको, क्योंकि उसके अंदर जो फाइल रखी है। ऐसे तो हर कोई सिंटेक्स चेक भी नहीं कर सकते जब तक आप उसमें पासवर्ड नहीं दोगे, बट पासवर्ड तो मांगा ही नहीं इसने मुझसे, क्योंकि हमने वैल्यू सेट नहीं की ना इसमें। सिंटेक्स चेक किया ये वाला, ऐसे बताना पड़ेगा कि एनसीबिल इसमें वॉल्ट मैंने अप्लाई कर रखा है, पासवर्ड आप पूछोगे मुझसे, आज पूछो पहले मुझसे पासवर्ड, मैं पासवर्ड दूंगा फिर, तो ये मुझसे पूछ नहीं जा रही, तो लगा दो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइपन हाइपन आस करो, क्या आस करना है आपको, वॉल्ट का मैंने पासवर्ड लगा रखा है, वो पासवर्ड मुझसे पूछ लो आप, ठीक है। चलो भाई ऐसे भी पूछ लो, चलो मैं बता देता हूँ, ऐसे पूछ लो भाई, ठीक है। स्पेलिंग तो सही है हमारी ए एस की, देखो थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया आपका, ऐसे ठीक है, पूछना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। ये पूछेगा हाइपन हाइपन सिंटेक्स हाइपन चेक, पहले मैं सिंटेक्स चेक करना चाहता हूँ, एक मिनट देख ले एक बार। एनसीबिल प्लेबुक क्रिएट अंडरस्कोर यूजर्स हाइपन हाइपन आस्क वॉल्ट पासवर्ड सिंटेक्स चेक, चलो ठीक है, ये पूछ रहा है, दे दो उसको पासवर्ड, कोई नहीं, चाहो तो कहाँ से पास कर सकते थे, यहाँ पे भी पास कर सकते हो, फाइल से पास करा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला कंसेप्ट हो गया, क्या आप कह रहे, देखो बता रहा है ये आपको, कह रहा कि आप ये बार बार ऐसे मत लिखो आस्क वाला, केवल कितना लिख सकते हो। अब कह रहा कि नए कंसेप्ट में ऐसे यूज करते हैं हम, अब जो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सीधा इतना लिख दो वॉल्ट आईडी, या कैसे लिख सकते हैं एट द रेट प्रॉम्प्ट, जो चाहो यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट बता रहा है कैसे मत लिखो, तरीका ये ठीक नहीं है। पासवर्ड आप टाइप करोगे तो भी गलत है, सिक्योरिटी रीजन से ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ऐसे आप पास कर लो, आप ये या तो ये लिखो या ये लिख दो, एक ही मतलब है, ठीक है। कह रहा कि पासवर्ड पहले क्या करो, एक फाइल में सेव कर लो, चलो सेव कर लेते हैं इको, और हमने पासवर्ड क्या रखा था, ये पासवर्ड दिया था सेव रेड है, ठीक है। रेड हैट को क्या कर दो, एक फाइल बना लो वी ए यू एल टी वॉल्ट अंडर सॉरी हाइपन पास करके, बन गई फाइल आपकी, देख लो, बट बाद में ध्यान रखना इस फाइल को हटा देना, बट एल एस हाइपन एल फाइल का नाम क्या है, ये परमिशन देखो क्या है, ये तो कोई भी रीड कर सकते ना, अगर के इसको अदर पर्सन रीड कर लेगा इसको, कह रहा कि परमिशन सेट कर दो, केवल आप ही रीड कर पाओ और इसके अलावा कोई रीड ना कर पाए, इट मीन्स डेवऑप्स के अलावा कोई और इसको रीड ना कर पाए, कोई और ग्रुप का बंदा, फाइल तो रखी है कोई भी देख सकता है इसको, चलो ठीक है जी। तो परमिशन सेट कर दो जीरो, किसके लिए होता है, स्पेशल परमिशन के लिए, तो जीरो सेट कर दिया हमने, 600। तो 6 का मतलब केवल ओनर को क्या मिलेगा, ये वाला परमिशन मिल जाएगा केवल, और सबको क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा, ये सब हट जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। फाइल क्या है आपका, ये फाइल, चलो ठीक है, ये भी हमारा हो गया, बहुत अच्छे। देख लो एक बार आप, शायद कुछ देख पा रहे हो आप, क्योंकि मैं तो देख सकता हूँ, मैं तो डेवऑप्स यूजर हूँ, ठीक है जी। दोबारा आ जाओ आप, कह रहे कि वैल्यू कहाँ से पास कराओगे, फाइल से पास करानी है आपको, पासवर्ड वाली वैल्यू, पासवर्ड आपको टाइप नहीं करना, तो चलो कर देते हैं ऐसा भी हम। दोबारा से ये सिंटेक्स चेक को हटा दो, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमें पास नहीं करानी, वॉइड हाइपन पासवर्ड, हाइपन पासवर्ड की फाइल क्या है, फाइल बता दो, वी ए यू एल टी वॉल्ट हाइपन, क्या नाम था उसका, पास, कि जब एनसीबिल प्लेबुक के थ्रू आप इस प्लेबुक को रन करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, ये
सपोज मान के चलता हूं मैंने इतना लेगा यहां से लिया और रन करके स्टार्ट किया, एक बार देख लेते क्या कहेगा ये, ठीक है, कहता कि डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पहले आपको, पहले आप इसे डिक्रिप्ट कर लो उसके बाद चला दो, कोई दिक्कत नहीं मैं ले लूंगा। बट मैंने कहा नहीं, आप जैसा है वैसे चला दो उसको, पासवर्ड की वैल्यू में पास कर रहा हूँ आपको, यहाँ से ले लो, कहाँ रखी हुई है पासवर्ड, यहाँ पर रखा है पासवर्ड वॉल्ट PASS है इसका, हाइफन पास, ठीक है, क्रिएट करते हैं, देखते हैं। वार्निंग कह रहा है कि देखो आपने कुछ चीज इसमें गलत की है, कह रहा है कि पासवर्ड जो आपने यूज किया है ना, तो पासवर्ड आपका क्या है, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में रखा है उसमें, वो हैशेस फॉर्मेट में नहीं था आपका, तो कोशिश करना को उसको हैशेस में कर लेना। तो ये वार्निंग छोटी सी दी है उसने, बता रहा है यूजर बन गया आपका, चेक कर लेते हैं यहाँ पे आकर के यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो स्लैश ETC करो पास जरूरी कर दो, बन गया यूजर आपका। एक चीज और दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, पासवर्ड कैसे आ गया आपका सिंपल फॉर्मेट में, इसलिए ध्यान रखना ऐसे मत रखना, कोई भी आके आपका पासवर्ड क्या कर सकता है, देख सकता है। बट वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए बताया, यहाँ पे एनक्रिप्ट कैसे करेंगे ये भी बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो आपको ऐसे पास नहीं करना, बताऊंगा इसकी वैल्यू भी कैसे करोगे आप इसको, तो ये ध्यान रखना आपका। यहाँ पे पासवर्ड कैसे होता है आपका, सिंपल फॉर्मेट में सेव हो गया आपका, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट हमने क्या देखा, एंसिबल क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे सेट करते हैं एंसिबल के अंदर, ये भी हमने सीख लिया, प्लेबुक कैसे लिखते हैं ये भी हमने सीख लिया, इन्वेंटरी फाइल कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीख लिया, कॉन्फिगरेशन फाइल कैसे बनाते हैं ये भी सीख लिया। तो अभी तक हमने क्या बोला, एंसिबल को इंस्टॉल करना देख लिया, फाइल बनाना देखा, इन्वेंटरी फाइल बनाना देखा, प्लेबुक कैसे लिखते हैं, एक साथ कई सारे टास्क आप लिखने वो कैसे लिखेंगे, आज हमने देखा वेरिएबल कैसे पास करोगे, ठीक है ये भी देख लिया, कुछ सेंसिटिव डेटा है तो उसे सीक्रेट कैसे करोगे, यहाँ तक हमने अभी तक सीखा है इसमें। यहाँ तक के कंसेप्ट में किसी को डाउट है तो बताइए, ये छोड़ दो, ये बाद का कंसेप्ट है ये, ठीक है, इसका मैं यूज नहीं करना अभी, ठीक है। कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा आपका, अब जिस किसी को भी पूछना है इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, अभी आपके पास टाइम रहेगा ना, केवल पढ़ लेना आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ समझ लोगे इसमें, रीड कर लेना, और भी रीड करने का मन नहीं करे ना, पेज पलट के देख लेना बस, कि सर ने चलो कहा है तो पेज तो पलट ही रहे है क्या है इसमें, कितना कर लेना बात काफ़ी मेरे लिए, इतना पता चल जाए इसमें है क्या है काफ़ी है, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो और अच्छी बात है, ऐसे करके ना जैसे मैं कर रहा हूँ इतना भी देख लोगे तो काफ़ी है, ऐसे कुछ दिख जाएगा ना ऐसे करके, मैं कुछ जब लिखूंगा ऐसे करके, हाँ चलो हमने कुछ देखा तो था ऐसा कुछ, तो देख लेना थोड़ा सा बस इसको, केवल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करके रीड करने का मन करे तो रीड कर लेना, क्योंकि लर्न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, ओनली जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग दिस पर्टिकुलर एंसिबल फैक्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ देख लेना इसमें क्या क्या लिखा है ये सब, क्योंकि जब इसको मैं बताऊंगा ये कुछ ऐसा कुछ दिखेगा तो एक बार देख लेना, ये जेसन फॉर्मेट है ये वाला जो फॉर्मेट है, इसके बाद जेसन फॉर्मेट है ये वाला, ये जेसन फॉर्मेट ऐसे लिखा जाता है आपका, ये INI फॉर्मेट है आपका, वेरिएबल की वैल्यू पास कराई गई है, मैं केवल इसको कॉल करूंगा ये दोनों वैल्यू कॉल हो जाएंगे, इसको कॉल करूंगा तो इसमें से कोई वैल्यू कॉल करनी वो कॉल कर सकता हूँ, ये हम एरे डिफाइन कर सकते हैं, की पेयर दिख रहा है आपका, ये सिर्फ बताऊँ कल आपको मैं मैजिक वेरिएबल कैसे पास करोगे, ठीक है, ये कुछ एक दो चीज़ें हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, और तो शायद इसमें कुछ है नहीं, हाँ ये लैब खत्म है आपका, फोर्थ चैप्टर एक घंटे का टाइम इसमें लगेगा, उसके बाद मैं फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है, कल फिफ्थ मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इसको खत्म करने के बाद। चलो कुछ पूछना है, चलो मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, आप तो पूछोगे नहीं, ठीक है जी, चलो मैं इसको वीडियो को यहाँ से पॉज कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारा काम खत्म हो गया, किसी को पूछना नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है जी, उसके बाद मैं कुछ पूछ लेता हूँ दो तीन चीज़ें, अभी मेरे पास टाइम है 8-10 मिनट का।